Boys and girls, write down the heading. Amalgamation of and sale of firm. Basically, both these topics are two separate topics. Basically, both of these topics are separate topic. Amalgamation of firm, topic number one, and amalgamation is sale of firm is topic number two. My first question to you is, what is the difference between both of them? What is amalgamation of firm and what is sale of firm? अरे पी क्या है वो कह रहे कंपनी क्या येड़े हो गया हाँ मतलब अलीबाग से आया जैसे बात कर रहे हाँ तो क्या अमालगमिशन ऑफ फॉर्म मतलब क्या बोल रहे ओके ओके ए प्लस बी बिकम्स सी और इट कुड बी ए गेट्स इनटू बी Yes or no? But firm remains firm. Firm remains firm. How? बशी गई गाँव पर फिर सेल ऑफ फर्म क्या होता है हाँ मैं कर दिया हाँ कर दिया ना हाँ सेल ऑफ फर्म मतलब क्या है सेल ऑफ फर्म मतलब क्या ढोकले वशी विद गोल्ड हाँ तो अब ये लॉजिकल बात चली तो कुछ नलायक बच्चों ने बिना मॉड्यूल खोले बस चालू हो गए रिवीजन बैच में आया थोड़ा सा अपेक्षा रखता हूँ मैं कि थोड़ा बहुत पता होगा इस चैप्टर में क्या है ढोकले सेल ऑफ फर्म में है फर्म इज गेटिंग सोल्ड टू अ कंपनी Firm is getting sold to a company. The main difference between amalgamation of firm and sale of firm, as per your module, is that in amalgamation of firm, they ask you to prepare revaluation of account. Revaluation account. क्योंकि उनके हिसाब से वो ये मानते हैं कि firm बिके नहीं है. Structure of the organization is still a firm only. Earlier it was firm, now also it is a firm. पहले दो partner थे, अब चार हो गए. पहले ए बी थे फॉर्म वन में फॉर्म टू में कौन से थे बी सी हो सकता है ना सब तीन पार्टनर बन गए ए प्लस बी प्लस सी आर यू गेटिंग माय पॉइंट सो अकॉर्डिंग टू योर मॉड्यूल अकॉर्डिंग टू योर इंस्टीट्यूट्स रूल्स दे से दैट व्हेन देयर इज एन अमालगमेशन ऑफ फर्म यू डोंट प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट बिकॉज इट इज नॉट ट्रीटेड एज गुड एज इट इज अ सेल इट इज ओनली ट्रीटेड एज वॉट रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म यू रिमेंबर वेन यू डिड एडमिशन इन एडमिशन वॉट डिड यू डिड प्रिपेयर रिवैल्युएशन अकाउंट बट वेन आई से सेल ऑफ फर्म मीन्स एक फर्म है इट विल बी कन्वर्टेड इन टू अ कंपनी मतलब फर्म का स्ट्रक्चर इज डिजॉल्व रिमूव्ड सो यर यू विल फॉलो डिसोल्यूशन एंड हेंस यू विल प्रिपेयर Realization account. Have you understood the main crux first? Amalgamation of firm में आपकी module के हिसाब से कौन सा account नहीं बनाते हम Realization. क्या बनाते हो Revaluation account. But जब तुम reference book refer करना शुरू करते हो so amalgamation of firm में भी realization account बनाया जाता है जो मुझे ज्यादा logical लगता है अब आप पूछेंगे क्यों ज्यादा logical है क्योंकि बेटा amalgamation of firm में भी ऐसा हो सकता है एक छोटी फर्म बड़ी फर्म को बिक गई हो सेल हो गई हो एग्रीड सो उस केस में यू शुड हैव प्रिपेयर्ड रियलाइजेशन अकाउंट नाउ द रीजन वाई दे आर नॉट क्रिएटिंग रियलाइजेशन अकाउंट इज आई टेल यू ऑलमोस्ट ऑल द प्रॉब्लम ऑलमोस्ट वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं ऑल द प्रॉब्लम्स में अगर पुराने पार्टनर है ए और बी और अगर पुराने पार्टनर नए फर्म में जा रहे हैं तो उनको नए फॉर्म में कैपिटल ही मिलता है पुराने फॉर्म के पार्टनर ए एंड बी दे गेट इनटू द न्यू फॉर्म दे आर आल्सो दे आर गेटिंग कैपिटल ओनली सो ओनर इज रिमेनिंग ओनर ओनली
दैट इज द रीजन दे माइट नॉट बी ट्रीटिंग इट एज अ सेल. आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? बट वेन आई से सेल ऑफ फर्म टू अ कंपनी इन दैट केस सेप्टेंबर यू क्रिएट रियलाइजेशन अकाउंट. आज तेरा भी बर्थडे है क्या? हाँ, इतना त्रस्त कर दिया सेप्टेंबर ने, सोने नहीं देते क्या? और कितना परेशान दिख रहा है सेप्टेंबर में, मुझे मेरे दिन भी याद आ रहे धीरे धीरे. क्या करना है? रिलैक्स, बैठ आराम से, ठीक है? क्लाइंट को देखते मारने की इच्छा होती होगी. अरे नहीं, अभी रो देगा, आप ज्यादा मत पूछो, सितंबर की बात है, चलो आगे. बहुत ज्यादा त्रस्त हो गया सितंबर में. सो बात क्या पूछ रहा था मैं आपसे, अमालगमेशन एंड सेल ऑफ फॉर्म आपको समझ में एकदम क्लियरली? अमालगमेशन ऑफ फॉर्म में कौन सा अकाउंट बनाते रहे डोकरे? एब्सोल्युटली राइट. और सेल ऑफ फॉर्म टू अ कंपनी में रियलाइजेशन अकाउंट. तो देखते हैं बेटा, पहले आपकी मॉड्यूल के पास चले जाए और आपकी मॉड्यूल क्या कहते हैं देख लेते हैं. किधर हूँ मैं? ये इधर, ये इधर, ये इधर. बस ही ले रहे और गांव पर फिर क्लास में होपलेस चाहिए नहीं चाहिए. डिसोल्यूशन ऑफ यस, दिस इज व्हाट अमालगमेशन ऑफ फर्म्स, यस और नो? सो अमालगमेशन ऑफ फर्म में आपकी मॉड्यूल क्या कहती है, क्लोज द बुक्स ऑफ ओल्ड फर्म बट दे आर आस्किंग यू टू क्रिएट रिवैल्यूएशन अकाउंट. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो इफ यू सी दे आर क्रिएटिंग व्हाट, दे आर आस्किंग यू टू क्रिएट व्हाट बेटा, रिवैल्यूएशन अकाउंट, यस और नो? हर जगह पे रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन लॉस, ऐसी बातें चल रही, एग्रीड? नाउ बट व्हेन आई गो हियर, कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इनटू अ कंपनी, द एग्जिस्टम ऑफ द फर्म इज डिसॉल्व्ड कंप्लीटली, द स्ट्रक्चर इज डिसॉल्व्ड कंप्लीटली, इट इज नॉट अ फर्म. सो इसलिए यहां पर आप जो बनाते हो वो कौन सा अकाउंट बनाते हो? रियलाइजेशन अकाउंट. अब बनाया क्या कहीं पर, ये देखो रियलाइजेशन अकाउंट. आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट, एग्रीड? अब मेरे साथ अभी लिखना शुरू करें आप. अमालगमेशन ऑफ फर्म में, अमालगमेशन ऑफ फर्म में देर आर टू टाइप्स ऑफ फर्म्स. वन इज ट्रांसफरर फर्म, जो फर्म क्लोज हो रही है, एंड देर इज ट्रांसफरी फर्म. ओके, ट्रांसफरर फर्म्स एंड देर इज अ ट्रांसफरी फर्म. जनरली क्वेश्चन इज आस्ट इन दिस बुक, क्वेश्चन आस्ट इज इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी फर्म. जनरली द क्वेश्चन आस्ट इज इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी फर्म. Is that okay? But if you want to solve this question, you have to understand what has happened here. What has happened here? Pehle hum story samajh lete ki kyun. Okay, let's take an example. There were two firms, firm 1 and firm 2. Firm 1 mein aur firm 2 mein do partner the. Ek ka naam tha Karina और दीपिका, और इधर दो लोग थे रमन
राघव. हु इज राघव? ओके ठीक है. सो हाँ आ गया ध्यान में मुझे. सो फॉर्म वन में करीना दीपिका, फॉर्म टू में रमन और राघव. नाउ ऑल ऑफ देम फोर डिसाइड, 1 2 3 4 डिसाइड दैट दे आर गोइंग टू फॉर्म अ न्यू फॉर्म. सो दे मेक अ न्यू फॉर्म कॉल्ड एज फॉर्म थ्री. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. नाउ व्हेन दे गेट इनटू द फॉर्म थ्री, आई एम आस्किंग यू व्हाट विल करीना गेट हियर. करीना गेट हियर व्हाट? कैपिटल, यस और नो? व्हाट विल दीपिका गेट? कैपिटल. व्हाट विल रमन गेट? आई नो यू आर फाइंडिंग इट वेरी, क्या बोलते उसको नहीं, ठीक है छोड़ो. सो बात क्या बता रहा हूं कि करीना, दीपिका, रमन और राघव को क्या मिलेगा बेटा? कैपिटल. तुम अगर प्रॉब्लम को समझ जाओगे, क्रक्स में क्लियर हो जाएगी चीज. प्रॉब्लम ये है, करीना को कैपिटल देना कितना? रमन को देना है कितना? राघव को देना है कितना? और बेटा जी दीपिका देना है कितना? तो वो आपको पता चलेगा अगर आपको इनकी कैपिटल अकाउंट के बारे में पता होगा इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरर. जितना कैपिटल यहां पे था उतना ही कैपिटल यहां पे जा सकता है, या इधर जितना कैपिटल था उससे कम यहां पे जा सकता है. लेस, यस और नो? सो अब तक बात पहुंच रही है क्या मैं क्या बता रहा हूं? तो इसीलिए वो कमीना एग्जामिनर क्या करता पता है कि ट्रांसफरी का क्वेश्चन पूछता है. मगर ट्रांसफरी का क्वेश्चन पूछने के बावजूद भी आपको ट्रांसफरर के बुक्स में कैपिटल अकाउंट समझना जरूरी है, क्योंकि जब तक आपको ट्रांसफरर के बुक्स का कैपिटल क्लियर नहीं है तब तक ये कैसे पता चलेगा करीना को कितना मिलेगा, दीपिका को कितना मिलेगा, राघव को कितना मिलेगा, रमन को कितना मिलेगा. तुम तक प्रॉब्लम पहुंच रही है क्या मेरी? अब इसमें लफड़ा क्या है मालूम है क्या? उनके कैपिटल अकाउंट की सारी एडजस्टमेंट आनी चाहिए. कौन सी वाली? गुडविल की. गुडविल इज रेज्ड. कौन सी वाली? रिवैल्यूएशन की. मतलब सब मगजमारी करना पड़ता सेट. उधर वो रिवैल्यूएशन कितना प्रॉफिट हुआ, वो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट ट्रांसफर करो. उधर वो गुडविल का कितना एडजस्टमेंट, गुडविल का एडजस्टमेंट ट्रांसफर करो. फिर उनका क्लोजिंग कैपिटल निकालो. फिर उनको कितना मिलना चाहिए ये सब निकाल कर रखो. समझ में आ रहा है? मतलब एक तीर में दो निशाना करता है एग्जामिनर. ट्रांसफर ही का क्वेश्चन पूछता है मगर साला पूरा का पूरा ट्रांसफर सॉल्व करना पड़ता है. ये प्रॉब्लम एरिया समझ में आएगा क्यों सॉल्व करूंगा मैं. अच्छा अब मैं आपको एंट्रीज बता देता हूं इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी. मेरे साथ लिखना शुरू करें. इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी लाइक पहली एंट्री आएगी बिजनेस परचेस टू फर्म वन टू फर्म टू. फॉर्म वन फॉर्म टू एंट्री नंबर वन. ये कहीं तो जानी पहचानी एंट्री लग रही है क्या? अमेलगमेशन में वहां पे एंट्री होती थी बिजनेस परचेस टू लिक्विडेटर. यहां पर लिक्विडेटर की जगह पे क्या बोलेंगे? फॉर्म वन को देना है, फॉर्म टू को देना है. अब बिजनेस परचेस को क्या करो? खोल दो. तो क्या करेंगे? असेट्स टू लाइबिलिटीज टू बिजनेस परचेस टू व्हाट? डेबिट में फिगर आए तो गुडविल, क्रेडिट में आए तो सीआर. सेम लॉजिक. थर्ड एंट्री क्या होती है? फर्म वन को क्या देने करे बाबा? फर्म वन अकाउंट डेबिट टू व्हाट? कैपिटल अकाउंट. अब कैपिटल किसका? ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल. एग्रीड? मगर प्रॉब्लम है अब किसको कितना कैपिटल देने का. अब एक कैपिटल बोला तुमने, एक कैपिटल को ट्रांसफर करेंगे बट कितना? 20 कैपिटल बोला मगर कितना? उसके लिए सॉल्व करना पड़ता है इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरर. नाउ दैट इज द इंटरेस्टिंग पार्ट. बस उतना पार्ट कंट्रोल में आ गया तो बात खत्म हो गई. ठीक है? तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, लेट्स मूव ऑन विद द प्रॉब्लम नंबर वन ऑफ योर क्वेश्चन बैंक. विल यू प्लीज कम डाउन टू द क्वेश्चन बैंक.
You are requested to read question number one, amalgamation of firm. Amalgamation of firm. What's Jhandubam? Two partnership firm carrying on business under the style of Black & Company and White & Company respectively decided to amalgamate into Gray & Company. Black & Company and White & Company decided to become what? Gray & Company. With effect from 1st April 2001, the respective balance sheet as on 31st March 2001 are as follows. Balance sheet of Black DA, Mr. B's capital, creditors, bank OD, plant and machinery, stock in trade, debtors, Mr. A's capital. Will you please highlight Mr. A's capital? He is having which balance? Debit balance. A and B share profits and the losses in the proportion of 1:2. A firm 1 ho gai. Now balance sheet of White & Company. X, Y, sundry creditors, investment, stock in trade, dued, sundry debtors and cash in hand. I think simple balance sheet. X and Y share profits and the losses equally. So ये लोग कैसे शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली. सो इनका इक्वल है, उनका कैसा है, ऊपर वाले का कैसा है? 2:2. 1:2 है, 2:1 है. ओके, ए और बी के बीच में 1:2. ऑल फिक्स्ड असेट्स आर टू बी डिवैल्यूड बाय 20%. ऑल स्टॉक इन ट्रेड इज टू बी अप्रिशिएटेड बाय 50%. Black & Company owes 5,000 to White & Company as on 31st March. The debt is settled at rupees 2,000. Highlight this whole adjustment. Extremely beautiful adjustment. If you understand, it is beautiful. Otherwise, Jai Mata Di. Extremely beautiful. Settlement hua hai 5,000 ka, owings ka, 2,000 mein. Aage badhte hain. Investment is to be ignored for the purpose of amalgamation. The fixed capital in the new firm are to be Mr. A, 2000, Mr. B, 3000, Mr. X, 1000, Mr. Y, 4000. Clearly bataya ki kitna capital hona chahiye. Mr. B takes over the bank overdraft of Black & Company and gifts to Mr. A the amount of money to be brought in by Mr. A. To make up his capital contribution, Mr. X is paid off in cash from White & Company and Mr. Y brings in sufficient cash to make his required capital contribution. Past journal entries to close the books of both the firms as on 31st March 2001. So they have asked you the question in the books of transferor. Par idhar tak aate aate, tumhare tak kuch bhi nahi bacha hai. Chalu ka hai, hech kalat nahi hai sir. Chalo, main kuch kuch question puchta hun, wo samajh mein aa rahe kya batao. फिक्स्ड एसेट क्या हुआ है? डीवैल्यू. स्टॉक क्या हुआ है? एप्रिशिएट हुआ है. तो आपको ये दो चीजें समझ में आए. ओके, याद है क्या अमैल्गमेशन वाला हमने किया था? राइट. ये इधर है और ये इधर है. कर सकते हैं. आइला तू भी इधर, मैं भी इधर. ये किसकी बुक्स में होता है? ऐसा किसकी बुक्स में होता है? इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफर. ये दोनों जब एक होंगे तब ऐसा होता है. ये इधर इधर ऐसे ऐसे कैंसिल नहीं होते. याद आ रहा है ना? इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरर म्यूचुअल ओविंग्स कैन नॉट बी कैंसल्ड. इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरर म्यूचुअल ओविंग्स कैन नॉट बी कैंसल्ड. बट व्हेन दे गेट टुगेदर तब क्या होता है? इला तू भी इधर, मैं भी इधर, चल कैंसिल करते. समझी के बात? जरा ध्यान से सुन दादू. एक अक्या रहता है और एक पक्या रहता है. अक्या और पक्या दिख रहे तुमको? अक्या पक्या को माल बेचता है. बहुत अच्छे दोस्त है. अक्या पक्या को माल बेचता है. सो अक्या के बुक्स में आया बेचने के बाद में. ही हैज बिकम व्हाट? डेटर. उसके बुक्स में डेटर्स आया ना, पक्या डेटर्स. पक्या 10,000.
प्लीज ध्यान से सुनो, और पक्या की बुक्स में आया क्रेडिटर्स अक्या 10,000. कौन किसको माल बेचा रहे? अक्या ने पक्या को. अक्या पक्या थोड़ा कंफ्यूज हो रहा होगा तो पोपट लिख देता हूं. अक्या ने किसको बेचा रहे? पोपट को. ठीक है, ग्रीन वाला पोपट. अब जरा ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, क्योंकि ये एडजस्टमेंट क्रिटिकल है बेटा. जब हम अक्या की नेट असेट निकालेंगे ना, तो वो म्यूचुअल ओविंग्स है, वो तो आगे जाके बनेगी ना. वो इधर असेट माइनस लाइबिलिटी करेगा कि नहीं करेगा? सो उस असेट में उसके डेटर्स को लेंगे कि नहीं लेंगे? लेंगे. यू राइट. मगर इधर पोपट चिल्लाता है, ए झंडूबाम नहीं दे रहा मैं तेरे को इतने पैसे, कैसा गंदा माल दिया रे मेरे को, अकला है क्या तेरे को? 10,000 का बोलता है, 2,000 में कोई खरीदने को तैयार नहीं है. हो सकता है कि नहीं हो सकता है? यू आर सेइंग कि माय असेट ऑफ पोपट इज वर्थ 10,000, मगर ये देने वाला आदमी बोल रहा है अरे नलायक तेरा माल 10,000 का वर्थ नहीं था, गंदा था, मैं नहीं दे रहा तेरे को 10,000. बोल सकता? बोल सकता ना. सो बेटा जी, ऐसे केस में म्यूचुअल ओइंग्स बाद में बनेंगी, ये दोनों पहले डिसाइड करते हैं कि वो असेट है कितने की. इन स्टैंड अलोन, इन द स्टैंड अलोन अक्या की बुक्स में ये है कितने की असेट. सो पक्या बोलता है, पक्या नहीं पोपट बोलता है, सॉरी सर मैं 10,000 रुपए कुछ नहीं दे रहा, चाहिए तो 4,000 दे रहा हूं, नहीं तो भाड़ में जा. सो 4,000 का सौदा तय हुआ. इसीलिए देखो 5,000 का म्यूचुअल ओइंग वॉज सेटल्ड एट 2,000. सेटलमेंट इज इन द स्टैंड अलोन, सेटलमेंट इज इन द स्टैंड अलोन. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो बेटा जी, इसकी असेट ये 10,000 की है ही नहीं, ये कितने की है? 4,000. इसको रीवैल्युएशन का लॉस हुआ 6,000 का, और इसको रीवैल्युएशन का गेन हुआ 6,000 का. एग्रीड? मतलब ये अपनी अपनी बुक्स में कम कर देंगे पहले ही 10 से कितना, 4,000. वो पेबल 10,000 से कम कर देगा कितने में, 6,000 से कम कर 4,000. फिर ये दोनों मिलकर शांति से धंधा मर्ज करते, अक्या पोपट अकाउंट, पोपट बैलेंस शीट. इधर बनता है डेटर्स 4,000, और इधर बनता है क्रेडिटर्स 4,000. अब वो दोनों एक साथ आकर बोलते हैं, अहिला तू भी इधर मैं भी इधर, चल कैंसिल करते. मैं क्या बोला समझा क्या? सेटलमेंट हैपन्स इन द स्टैंड अलोन, सेटलमेंट हैपन्स इन द स्टैंड अलोन. बट माय डियर फ्रेंड, व्हेन यू से म्यूचुअल ओइंग, इट विल बी कैंसल्ड इन द अमालगमेटेड फर्म, दैट इज द ट्रांसफरी फर्म. तो जरा एक बार गौर से देखो इधर, ये क्या बोला? ब्लैक कंपनी ओव्स 5,000 टू व्हाइट. ब्लैक ने व्हाइट को देना है 5,000 एज ऑन 31st March. ब्लैक ओव्स टू व्हाइट, दिस डेट इज सेटल्ड एट 2,000. मतलब ब्लैक ने बोला सेठ नहीं दे रहा मैं 5,000, क्या करने का करो, आई एम गोइंग टू गिव यू हाउ मच ओनली 2,000. सो बेटा जी 3,000 इज अ रिवैल्युएशन गेन फॉर ब्लैक एंड रिवैल्युएशन लॉस फॉर व्हाइट. बात पहुंची अब तक? और फिर उसके बाद में आप क्या करोगे, उन दोनों को ले जाओगे किसके, इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी, फिर कैंसिल करोगे. से यस, ओके दैट्स लवली. अगेन अब आगे क्या बात हुई बेटा, यहां तक तो समझ में आया. इन्वेस्टमेंट इज टू बी इग्नोर्ड फॉर द पर्पज ऑफ अमालगमेशन. मतलब इन्वेस्टमेंट को लेकर जा रहे क्या? नहीं, इन्वेस्टमेंट इज नॉट बीन टेकन ओवर. कोई बात नहीं, छोड़ देने का, इग्नोर, आगे बढ़ो. द फिक्स कैपिटल इन द न्यू फर्म आर टू बी मिस्टर ए 2,000, मिस्टर बी 3,000. याद करो अमालगमेशन वाले दिन, वॉट इज पी सी, वॉट इज पी सी? अमाउंट गिवन टू द ओनर. यहां पर भी पीसी वही है, अमाउंट गिवन टू द ओनर. हु आर द ओनर? ए एंड बी. ए को कितना दे रहे रे मिया ने एफएम में? 2,000. बी को कितना दे रहे रे पोटे? 3,000. व्हाट इज पीसी? 5,000. व्हाट इज पीसी? 5,000. आर यू गेटिंग माय पॉइंट ड्यूड? और वैसे ही देखे, मिस्टर एक्स को 1,000 और मिस्टर वाई को कितना? 4,000. 1,000 4,000 इज हाउ मच? 5,000. व्हाट इज द पीसी? ठीक है, ये वाई टेन कंपनी के लिए कितना है? 5,000.
मिस्टर बी टेक्स ओवर द बैंक ओवरड्राफ्ट वगैरह वगैरह ऑफ ब्लैक एंड कंपनी एंड गिफ्ट्स टू मिस्टर ए अमाउंट ऑफ मनी टू बी ब्रॉट इन बाय मिस्टर ए वी विल सी हाउ टू बी डन इट बट अभी के लिए हम फॉर्मेट बनाना शुरू करें. ये क्वेश्चन है ना आपको सॉल्व करते करते ही समझ में आएगा, सारी चीजें एकदम से क्लियर नहीं होगी इसमें. बहुत सारे फॉर्मेट बनेंगे देखना आप, बहुत खतरनाक तरीके से आप बोलोगे सर बोर हो रहा है. इन द बुक्स ऑफ ब्लैक एंड कंपनी जर्नल एंट्रीज, इन द बुक्स ऑफ ब्लैक एंड कंपनी जर्नल एंट्रीज, ठीक है, इन द बुक्स ऑफ ब्लैक एंड कंपनी जर्नल एंट्रीज 28 लाइंस. बेटा प्लीज फुर्ती से करो, ए ढोकली करना जल्दी से. नेक्स्ट, इन द बुक्स ऑफ व्हाइट एंड कंपनी 31 लाइंस, इन द बुक्स ऑफ व्हाइट एंड कंपनी 31 लाइंस. वैष्णवी उसने भी पैसे दिए बेटा, उसको भी देना थोड़ी बेंच, बेचारे को लिखने दे उसको भी. इन द बुक्स ऑफ व्हाइट एंड कंपनी जर्नल एंट्रीज हाउ मेनी लाइंस, 31 लाइंस, वन पेज. देन नेक्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ पीसी, कैलकुलेशन ऑफ पीसी, एडिन लाइन्स, ऑल राइट. बेटा फिर बनाओ रिवैल्युएशन अकाउंट, एक सेकेंड, पहले बना दो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ब्लैक एंड कंपनी के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ब्लैक एंड कंपनी के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ब्लैक एंड कंपनी के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट. आगे बढ़ूं, और व्हाइट एंड कंपनी का भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसके पार्टनर के नाम है एक्स और वाई. ठीक है, व्हाइट एंड कंपनी के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. मूविंग ऑन, व्हाइट एंड कंपनी का कैश अकाउंट, व्हाइट एंड कंपनी का कैश अकाउंट, ठीक है बच्चों, रेडी हो आप. इन द बुक्स ऑफ ब्लैक एंड कंपनी, इट इज द कंपनी विच इज गेटिंग क्लोज्ड, ब्लैक एंड कंपनी, बेटा पहला सुनो एक बार, पहला सुनो मैंने क्या करना है. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, सुन तो लो, टू प्लांट एंड मशीनरी, टू स्टॉक इन ट्रेड, टू सन्ड्री डेटर्स, being different asset transferred to realization account. I am requesting you all to please check, what I have done is I have emptied the balance sheet. However, that is not necessary to do. I can make this adjustment with the help of what? Revaluation account also. Am I communicating? I can make this adjustment with the help of revaluation account also, because your module requires you to solve it with the help of revaluation account. But for time being, we'll at least see how it happens. Next, liability side में बेटा कौन से आइटम है आप मुझे बताएं. Liability side में कौन से आइटम है? Sundry creditors. Yes or no? Sundry creditors to realization account. Agreed? और बेटा जी partners capital account के लिए कोई journal entry की जरूरत नहीं है. A और B के capital के लिए कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाता है. हाँ या ना? चलिए आपको यहां तक समझ में आया, बैलेंस शीट खाली की, प्लीज ध्यान दीजिए. बेटा फिर क्या करते हैं हम, रियलाइजेशन अकाउंट में पीसी ड्यू बनाते हैं. सो बेटा हम क्या करेंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट इज टेकन ओवर बाय हुम,
मिस्टर बी, चेक कर लो बैंक ओवरड्राफ्ट इज टेकन ओवर बाय मिस्टर बी और नॉट। अगर आपको याद हो रहा होगा डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में हम एंट्री ऐसे ही किया करते थे। क्या एंट्री होती थी? बीज कैपिटल को क्रेडिट बिकॉज इज टेकिंग अप व्हाट? लाइबिलिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट टू बीज कैपिटल, एग्रीड, जो भी एग्रीड वैल्यू है ये देख लीजिए। ग्रे एंड कंपनी टू व्हाट? आई विल से रियलाइजेशन अकाउंट, प्लीज चेक बेटा। असेट्स टेकन ओवर, जरा ध्यान से देखिए, असेट्स टेकन ओवर। ब्लैक एंड कंपनी ने कौन सी असेट अपनी बेची है? ब्लैक एंड कंपनी ने। सो बेटा ये प्लांट एंड मशीनरी फिक्स्ड असेट है क्या? इट इज टू बी टेकन एट व्हाट वैल्यू? 80%। तो कितना लूंगा? 8,000। नेक्स्ट स्टॉक इन ट्रेड एप्रिशिएटेड कितना लूं? 30,000। एग्रीड। नेक्स्ट सन्ड्री डेटर्स, डेटर्स के ऊपर कोई एडजस्टमेंट है क्या? पक्का बेटा। कौन किसको देने वाला था? ब्लैक एंड कंपनी ओव्स, मतलब जाहिर सी बात है उनका क्रेडिटर्स में घुसकर बैठा है अमाउंट। ब्लैक एंड कंपनी ओव्स, सो फॉर ब्लैक एंड कंपनी डेज लाइबिलिटी। हाँ या ना? सन्ड्री डेटर्स आई टेक इट एज इट इज एट बुक वैल्यू। व्हाट इज दैट वैल्यू? 10,000। देन माई डियर फ्रेंड आई हैव गॉट 48,000। लाइबिलिटीज टेकन ओवर, वॉट ऑल लाइबिलिटीज आर टेकन ओवर? सन्ड्री क्रेडिटर्स, डिड दे टेक बैंक ओवर ड्राफ्ट? द आंसर इज नो। सो आई विल से 10,000 लूंगा क्या? द आंसर इज नो। आई विल टेक 10,000 माइनस 3,000, क्योंकि कितने का डिस्काउंट गया? 3,000। सो कितना जाएगा? 7,000। से यस। तो बेटा जी अब मुझे बताओ पीसी कितना आया? 41,000। कैसे निकाला आपने? 48,000 माइनस 7,000, 41,000। हैव यू अंडरस्टूड दिस बॉयज एंड गर्ल्स? सो हमने ये क्या किया? पीसी ड्यू। अब इंटरेस्टिंग पार्ट देखना मैं क्या कर रहा हूँ, बेटा इंटरेस्टिंग पार्ट में मैं ग्रे एंड कंपनी को 41,000 लिख रहा हूँ। एग्रीड। जाहिर सी बात है यस, हियर वी गो बेटा। ग्रे एंड कंपनी में हमको कैपिटल कितना मिल रहा है जरा बताइए मुझे, कैपिटल कितना मिल रहा है? ए को कैपिटल कितना मिल रहा है? प्लीज चेक। 2,000 बेटा। बी को कितना मिल रहा है? 3,000। एग्रीड। मगर बेटा जी प्रॉब्लम ये आ रही है, बी से मुझे बैलेंस कितना मिल रहा है? मतलब बी का बैलेंस जो है ना, जो सेटल करना है, वो कितना है? 39,000। तो इसको क्लोज कैसे करूं? वो तो मुझे कैपिटल कितना दे रहा है? सिर्फ 5,000। उन्होंने ये बताया कि हमारी असेट्स और लाइबिलिटीज की ये वैल्यू है। असेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू कितनी है? 41,000। अब 41,000 ये मेरे असेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू है, बट बेटा मेरे दे कितना रहे? 5,000। तो जाहिर सी बात है बेटा जी 41,000 माइनस 5,000 मैं मान कैसे जाऊंगा? 41,000 उन्होंने बताया फिक्स्ड एसेट इतने में वैल्यू होगा, क्रेडिटर्स इतने में वैल्यू होगा, तुम्हारा स्टॉक इतने में वैल्यू होगा, डेटर्स इतने का है। तो 41,000 रुपीज मिलने चाहिए थे, मुझे दे कितने रहे? 5,000। तो जाहिर सी बात है रिमेनिंग 41 माइनस 5,000 कितना? 36,000 का करूं क्या? सो बेटा जी कैपिटल मिला एक्स का, वाई का, एग्रीड, कितना? 2,000 एंड 3,000। बचा हुआ अमाउंट लोन को ट्रांसफर होगा, अदरवाइज बेटा मैं सेटल कैसे करूं अकाउंट को? वो तो 5,000 रुपए देकर थमा कर जा रहे हैं। एग्रीड। मगर वैल्यूएशन कितनी बताई उन्होंने? 41,000। तो तुमको ऐसा कहीं पर लगा होगा कि डायरेक्टली गिवन मेथड ऑफ पीसी है, जैसे एक्स को कितना मिलेगा? 2,000। वाई को कितना मिलेगा? 3,000। फिर असेट के वैल्यूएशन भी दे रखे। तो जाहिर सी बात है 41,000 की चीज में मुझे 5,000 ही मिल रहा है, ऐसा नहीं है। ये एक हिडन एडजस्टमेंट है कि दे आर गोइंग टू गिव अस हाउ मच? 41,000, बट उसमें से कैपिटल का जो पोर्शन दे रहे वो कितना? सिर्फ 2,000 and 3,000, एंड रिमेनिंग वुड बी टेकन एज वॉट? लोन। सो डू यू वॉन्ट टू सी दी बैलेंस शीट? ये स्लाइड नंबर 91 है, ठीक है। जरा देखो बेटा अभी मैं आपको आंसर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये रियलाइजेशन है, बैलेंस शीट है, कैपिटल अकाउंट है।
तो मुझे इसके बुक्स में ये बनाना पड़ेगा, किसके बुक्स में, इन द बुक्स ऑफ ग्रे कंपनी। जब मैं ग्रे कंपनी के बुक्स में बनाऊंगा तब आपको क्लियर हो जाएगा कि वहां पर किसको कितना कैपिटल मिल रहा है और बाकी का अमाउंट कहां पर ट्रांसफर होगा, लोन अकाउंट को। सो इन दिस क्वेश्चन वी आर ऑल्सो गोइंग टू सॉल्व इट इन द बुक्स ऑफ ग्रे कंपनी। इज दैट ओके? यस। अब हम एंट्रीज कहां तक आ गए थे मैं आपको बता दूं। हमने एंट्री यहां तक कर ली थी। बी क्या ले गया था बेटा? बैंक ओवरड्राफ्ट। और हमने क्या ड्यू किया? पीसी। एग्रीड? यस। ये क्या है बेटा जी? हमारा रियलाइजेशन का प्रॉफिट या लॉस। इट इज ट्रांसफर्ड इन द रेशियो ऑफ पीएसआर। एंड देन माय डियर फ्रेंड्स, बी का कुछ शॉर्टफॉल रहा तो वो कौन गिफ्ट करने वाला, सॉरी ए का कुछ शॉर्टफॉल रहा तो कौन गिफ्ट करने वाला? बी। सो दैट वॉज डन विद द हेल्प ऑफ अ कॉन्ट्रा एंट्री। एंड माई डियर फ्रेंड द लास्ट थिंग वॉज ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल टू ग्रे एंड कंपनी। मतलब ए कितना बोल रहा है मुझे 2000 मिलना चाहिए, बी कितना बोल रहा है मुझे 39000 मिलना चाहिए। बी का कैपिटल कितना है? 3000 मिलने वाला है ना उसको आगे जाकर, तो 36000 विल बी ट्रीटेड एज वॉट? लोन। सो शैल आई शो यू हाउ इट इज टू बी डन? तो चलिए आप मेरे साथ कीजिए इसको सॉल्व। यस, व्हाट इज द फर्स्ट अकाउंट विच वी हैव प्रिपेयर्ड? रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट किसका बेटा जी? ब्लैक एंड कंपनी। मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू भी समझा दूंगा बट रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू समझना ज्यादा आसान है बेटा, क्योंकि लॉजिकली जैसे मैंने आपको बताया यही रियलाइजेशन है, सेल ही हो रहा है फॉर्म। एग्रीड? ब्लैक एंड कंपनी का रियलाइजेशन अकाउंट। चलिए बेटा जी पहले पूरी बैलेंस शीट को खाली कर दो। एक टेक्स्ट बुक देगा कोई? पहले पूरी बैलेंस शीट को क्या कर देंगे? खाली कर देंगे। तो चल बेटा खाली करता हूं। टू क्या क्या लिखो बेटा? प्लांट एंड मशीनरी आप मेरे साथ लिखते जाइए 10000। टू स्टॉक इन ट्रेड कितना है बेटा जी? 20000। फिर टू सन्ड्री डेटर्स हाउ मच? 10000। और बेटा जी फिर बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स हाउ मच? 10000 ना। एंड बाय बैंक ओडी हाउ मच? 15000। एम आई कम्युनिकेटिंग? अच्छा अब अगली बात सुनिए, आपको पार्टनर्स कैपिटल भी बनाना पड़ेगा, तो पार्टनर्स कैपिटल बना दो बेटा। पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल में क्या करोगे बेटा? कितने अकाउंट? एक्स सॉरी ए बी सॉरी सॉरी ए बी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बेटा बी का दिया हुआ है 19000 और ए का दिया हुआ है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? यू आर एब्सोल्युटली राइट, 4000। एग्रीड? नाउ वी आर एक्सपेक्टेड टू डू पीसी, कॉम्पिटिशन ऑफ पीसी। कॉम्पिटिशन ऑफ पीसी में बेटा मुझे एक बात बताओ, आपके पास कौन सी एसेट है? ये सिर्फ मैं किसका कर रहा हूं बेटा? ब्लैक एंड कंपनी, प्लांट एंड मशीनरी आई टेक इट अप हाउ मच? 8000 प्लस स्टॉक इन ट्रेड 20000 प्लस 50% 30000 बेटा। फिर प्लस सन्ड्री डेटर्स, डेटर्स में कोई चेंज नहीं है, इट विल बी हाउ मच? 10000। टोटल आएगी बेटा जी आपकी 48000 लेस सन्ड्री क्रेडिटर्स,
सेंडरी क्रेडिटर्स बेटा जी मैं लूंगा 10,000 माइनस 3,000, क्योंकि डिस्काउंट 3,000 का दिया है ना, जो 5,000 का था उसमें से डिस्काउंट कितना का दिया, 3,000. एम आई कम्युनिकेटिंग? तो बेटा कितना आएगा ये, 7,000. बैंक ओडी लेकर गए क्या वो? नहीं. तो बेटा वो वाली लाइबिलिटी लेकर नहीं गए. तो बेटा मेरी पीसी कितनी बनी? पीसी इज 41,000. आपको लगा होगा यहां पे पीसी कौन सा है, डायरेक्टली गिवन, बट साला लोन में ट्रांसफर होगा, आप देखना भी. 41,000 सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू दे रखी है. अब हम क्या करते हैं, इस पीसी को ड्यू बनाएंगे बेटा. कहां पर ड्यू बनाएंगे? रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में. सो मैं लिखूंगा बाय ग्रे एंड कंपनी, बाय ग्रे एंड कंपनी मुझे कितना मिलने वाला है, 41,000 पीसी ड्यू. बाय ग्रे एंड कंपनी मुझे क्या मिलने वाला, पीसी ड्यू. से यस. बेटा आप जरा और एक बात ध्यान से सुनना. कैन आई टिक मार्क प्लांट एंड मशीनरी इज टेकन ओवर, स्टॉक इन ट्रेड इज टेकन ओवर, डेटर्स इज टेकन ओवर, क्रेडिटर्स इज टेकन ओवर? कैन आई से बैंक ओडी सेटल्ड? नो. हु इज गोइंग टू टेक बैंक ओडी? बी. सो आई विल राइट डाउन टू बीज अकाउंट 15,000. वेर विल द सेकेंड इफेक्ट गो? दैट्स अगेन राइट. सो कैन आई नॉट राइट डाउन यर टू, सॉरी क्रेडिट में बाय बैंक ओडी हाउ मच बेटा, 15,000. यू आर राइट, यस और नो? नाउ पीपल यू हैव ऑलरेडी मेड ऑल द एडजस्टमेंट रिलेटेड टू रियलाइजेशन इन द बुक्स ऑफ ब्लैक एंड कंपनी. प्लीज लेट मी नो व्हाट इज द प्रॉफिट, टू प्रॉफिट यू से 11,000. नाउ 11,000 इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 1:2. सो आई से 3,667,733. ये अकाउंट क्लोज. आपके बुक्स के सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज क्या हो गए, क्लोज. क्लियर बेटा? नाउ नेक्स्ट, पार्टनर्स कैपिटल के कौन से साइड में जाएगा, क्रेडिट साइड में बाय रियलाइजेशन अकाउंट. कितना आएगा बेटा जी, 3,667 एंड हाउ मच, 7,333. एम आई कम्युनिकेटिंग? ओके, दैट्स लवली. अब तुमने रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में एक अकाउंट बनाया था ग्रे कंपनी, 41,000. से यस. सो बेटा ग्रे एंड कंपनी का अकाउंट बनाते हैं. ग्रे एंड कंपनी इधर डेबिट साइड में बनेगा टू रियलाइजेशन अकाउंट. ग्रे से 41,000 रुपीज रिसीवेबल है क्या? अगर अब आपकी बुक्स में आप चेक कर रहे हो तो दो अकाउंट ओपन है, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक क्या, ग्रे कंपनी अकाउंट. रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज हो चुका है, और कौन सा अकाउंट ओपन है? कोई नहीं. प्रॉफिट और लॉस पार्टनर को ट्रांसफर किए जा चुके हैं, हाँ या ना? अब बेटा क्या हुआ कि जो जो देना है ग्रे एंड कंपनी से वो क्लियर है, जो जो देना है वो क्लियर है. ग्रे एंड कंपनी ने बोला देखो तुम्हारी फर्म को हम देंगे एक्स कैपिटल 2,000 बाय वाइज कैपिटल, अरे हो रे एज कैपिटल सॉरी बीज कैपिटल कितना, 3,000. इतना ही देने वाले ना वो, बाकी के बारे में कुछ बोला नहीं है. तो चलो आ जाओ, ए को बोलते भाई ये ले भाई तू 2,000 रुपये लेके जा, नई फॉर्म में खुश रहे, तुझे 2,000 रुपये का कैपिटल मिल रहा है. इधर क्या बोलेंगे, टू कैपिटल इन व्हाट, ग्रे एंड कंपनी.
ए को कैपिटल मिला ना ग्रे एंड कंपनी में, कितना 2000, और बी को कितना मिला? मां कसम, जरा फील करना अभी, ए बोल रहा है मां कसम मेरा क्रेडिट बैलेंस है कितना, 3667, और 4000 और 2000 मेरा डेबिट है, एग्रीड? सो एक्चुअली आई एम सपोज टू ब्रिंग हाउ मच, 233, मगर ये किसने किसको गिफ्ट दिया? बी ने ए को गिफ्ट दिया, पढ़ लो, समझ में आ रहा है? वो कैश ऐश कुछ नहीं लेके आ रहा है, ये बी ने बोला कि चल ठीक है तेरे को 2000 चाहिए ना मैं देता हूं, मगर बोल रहा मेरा तो डेबिट बैलेंस आ रहा है, चिंता मत कर मैं गिफ्ट करता हूं तेरे को। कॉन्ट्रा एंट्री, कॉन्ट्रा कैसे करेंगे? बाय बी इज कैपिटल कितना, 233 टू बी इज टू, ए इज कैपिटल 233 3। अब बी बेचारा मायूस बैठा है, दिख रहा है क्या? बी मायूस बैठा, बी बोल रहा है 19,000 प्लस 15,000 प्लस 7333, उसमें से थोड़ा सा मैंने ए को दे दिया गिफ्ट, मेरे को 3000 मिला, बाकी का क्या? रियलाइजेशन लॉस भी नहीं बोल सकते, एग्रीड आर नॉट? तो ये कहां पे जाएगा? ये नई फर्म में बी को क्या मिलेगा? लोन। सो हम क्या लिखेंगे? टू बीज लोन इन ग्रे एंड कंपनी, से यस। कितने का आएगा बेटा बैलेंसिंग फिगर? 36,000। अब तुम चाहते तो इसको सिर्फ ग्रे एंड कंपनी लिख देते तो भी बात खत्म हो जाती, मतलब rather than writing capital in gray and company 2000 and 3000, what you can do is you could have directly written down to gray and company, magar tumko clearly click ho ki kitna mil raha hai, isliye maine aise kiya, samajh mein aaya kya? To beta ji ab hum kahan jayenge? Gray and company ko bolte the bachal bhai tere ko close kar dete, right? To abhi inko kya kya milega? Buy b's loan 36,000, iske baad mein close ho jata hai kya? क्या मैं आपसे अपेक्षा रख सकता हूं क्या ये पूरी फर्म क्लोज हो गई? आपको समझ में आ रहा है क्या? एग्रीड? क्लैरिटी है ना? अब इसी फर्म का मैं एक्विजिशन के एंट्रीज भी करता हूं, दो फर्म की एक साथ नहीं करेंगे, बट फर्स्ट प्रॉब्लम है तो आई वॉन्ट टू टीच यू कि व्हाट इज हैपनिंग व्हेन दे आर एक्वायरिंग इट। तो रफ में एंट्री कर रहा हूं, आप देखो, सिर्फ हम दोबारा करेंगे, आप एक बार अभी के लिए देख लो, मैं दोबारा करूंगा बट अभी के लिए समझ लो। बिजनेस परचेस टू व्हाट? ब्लैक एंड कंपनी। कितने में बाय किया? 41,000। फिर बिजनेस परचेस को खोल डालो, क्या क्या लिया? प्लांट एंड मशीनरी 8,000, स्टॉक इन ट्रेड 30,000, डेटर्स 10,000, टू क्रेडिटर्स 7,000, वेरी गुड, टू बिजनेस परचेस 41,000, क्या टैली हो रहा है क्या? देखो, जाहिर सी बात है टैली होना चाहिए। फिर क्या हुआ? तीसरी एंट्री में उसको बोले कि चलो आओ तुमको देता हूं, बांटता हूं क्या क्या चाहिए, 41,000 चाहिए ना। सो क्या करेंगे? ब्लैक एंड कंपनी 41,000, टू एज कैपिटल 2,000, टू बीज कैपिटल 3,000, टू टू बीज लोन कितना बता रहे? यू आर एब्सोल्युटली राइट मैम, एम आई कम्युनिकेटिंग क्लियरली? बस अब वो म्यूचुअल ओइंग्स को सेट ऑफ करने का 2,000 रुपए से, क्योंकि 7,000 में चुप रहे छे चोरे, 2,000 ना, 3,000 तो नॉक ऑफ हो गया, 7,000 में 2,000 रुपए किसको देने के? 7,000 में 2,000 रुपए किसका है? ये ओइंग्स लाइबिलिटी आपकी, 2,000 देना, 3,000 तो कैंसिल कर लिया, 2,000 किसको देने के?
वाइड एंड कंपनी, जब वो दोनों एक साथ हो जाएंगे इस फॉर्म में तब हम उनको क्या कर देंगे, कैंसिल। तो हमारी एंट्री होगी सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 2000 टू सन्ड्री डेटर्स 2000। एक फर्म को क्लोज करना सिखाया और एक फर्म का एक्विजिशन का एंट्री बताया। दिस इज मोर लॉजिकल, दिस इज द वे इट शुड बी सॉर्टेड आउट। किसी को व्यथा यहां तक? अभी हम ऐसा ही किसको क्लोज करेंगे, पहले वाई एंड कंपनी। वाई एंड कंपनी को क्लोज करने के बाद में हम क्या करेंगे, ग्रे एंड कंपनी में दोनों की एक्विजिशन की एंट्रीज करेंगे। समझ में आ गया? यस। सो पीपल पीपल पीपल, चलो अभी अगला करते फिर। इन द बुक्स ऑफ व्हाट, इन द बुक्स ऑफ व्हाट, व्हाइट एंड कंपनी कौन सा अकाउंट बनेगा पहले? ए चूर, रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ, रियलाइजेशन अकाउंट बनाया होगा तुमने? हाँ, ये नहीं बनाया, मैंने बोला मत बनाओ। रियलाइजेशन अकाउंट व्हाइट कंपनी। अब तुम मुझे हेल्प करोगे ऐसे ही अपेक्षा रखता हूं। रियलाइजेशन अकाउंट बनाया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, वो बनाया होगा तुमने, मगर वो कंबाइंड बनाया शायद से, नहीं अलग अलग बनाया। तो आपकी आज्ञा से शुरू करूं? कितना आ रहा है बेटा? कुछ आवाज नहीं आ रही, क्या बोल रहे? एक्स वाई, एक्स वाई, हां जी। रियलाइजेशन अकाउंट में पहले टू इन्वेस्टमेंट 5000। अबे बैलेंस शीट तो खाली करेगी डोकरी है। टू स्टॉक इन ट्रेड, ऐसे मत करो रे, बेचारी से गलती हो गई, सब लोग मत बोलो अभी उसको, रो देगी वो। टू सन्ड्री डेटर्स 10000। कैश अकाउंट अलग बनेगा, कैश अकाउंट अलग बनेगा, कैश अकाउंट, क्योंकि वो लेकर नहीं जा रहे। कैश अकाउंट ट्यू बैलेंस ब्राट जाम 15 अंडे हो तेज बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स 9500 इजंट इट। ढोकले कैपिटल अकाउंट भी तो है, हाँ तो कर ट्रांसफर कर। हो प्लस बाय बैलेंस ब्राट डाउन, बोल कितना है? 10000 और 2000। गुड। रिजर्व वगैरह है क्या कुछ? ना। अभी क्या कर रहे हैं? कैलकुलेट, क्या करने का कैलकुलेट? पीसी। चल छोरे जल्दी से पीसी के बारे में बता मुझे, क्या क्या करने का है? पीसी ऑफ व्हाइट एंड कंपनी, हाँ बता भाई जल्दी से। पहले क्या लूं? इन्वेस्टमेंट, और कितनी वैल्यू लिखूं? जीरो। फिर स्टॉक इन ट्रेड 7500, सन्ड्री डेटर्स, ये बेटा इसका इसका रिसीवेबल है। अरे एकदम बात करने को तैयार नहीं, डायरेक्ट 7000। सुन तो ले क्या है, 7000 बराबर है क्या? यस। ढोकले कैश के बारे में क्या बोला है? कैश नहीं लेने वाले, क्यों? देखो क्यों 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 क्या बोला है? देखो, मिस्टर एक्स इज पेड ऑफ इन कैश फ्रॉम वाइट एंड कंपनी एंड मिस्टर वाई ब्रिंग सफिशियंट कैश टू मेक अप इज रिक्वायर्ड कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। लास्ट की लाइन पढ़ो ना, मिस्टर एक्स इज पेड ऑफ इन कैश फ्रॉम वाइट एंड कंपनी,
अब बेटा एक्स कैश में से पेमेंट कैसे करेगा, नई फॉर्म में से तो कैश मिल नहीं रही है, हाँ या नहीं? तो ये कैश उनको क्या करना पड़ेगा, अपनी कैश अपने पास ही मेंटेन करना पड़ेगा ना, ये वो बेच नहीं रहे ठाकुर साहब, कैश बेच नहीं रहे, ये कैश खुद के पास ही रख रहे। यस सो कितना है बेटा जी, 14,500 लेस लाइबिलिटीज, सन्ड्री क्रेडिटर्स 9,000, बताओ मुझे पीसी कितना आया, 5,000 इज द पीसी, मां कसम ये मैच हो गई है, हैं? सब ठीक है ना बेटा, हाँ क्या हो गया, अभी आ जाओ इधर, रियलाइजेशन अकाउंट में आओ गांव वालों, और इधर लिखो बाय, ग्रे एंड कंपनी ने वादा किया है कि वो 5,000 रुपए देने वाली है, उसके नीचे यहां पे क्या बना देंगे, ग्रे एंड कंपनी, उसी के नीचे बना रहे हैं हम ग्रे एंड कंपनी, इंसर्ट स्पेस, सो ये ग्रे एंड कंपनी, टू रियलाइजेशन अकाउंट कितना है बेटा, क्या बोलते, एक तो बात समझ नहीं आती, 5,000 प्रॉफिट और लॉस निकालो रियलाइजेशन पे, फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड क्या है, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना, बाय पार्टनर्स कैपिटल ए, ए नहीं एक्स वाई, एक्स का कितना आएगा, यू आर एब्सोल्युटली राइट मैडम, और दूसरा अगेन यू आर राइट मैडम, वेयर इट विल गो एंड हिट मैडम, यू मीन टू से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मैडम, सो आई विल राइट डाउन व्हाट, टू रियलाइजेशन अकाउंट हाउ मच, 2750 एंड 2750, यस और नो, नाउ विल यू प्लीज कम डाउन टू दी, नाउ विल यू प्लीज कम डाउन टू दी ग्रे अकाउंट, ग्रे अकाउंट को पूछो क्या क्या दे रहे हो भाई, वो बोल रहा है कि बाय एक्स कैपिटल इन ग्रे एंड कंपनी, बाय एक्स कैपिटल इन ग्रे एंड कंपनी, बराबर है क्या, कितना मिल रहा है, 1,000, और बाय वाइज कैपिटल इन ग्रे एंड कंपनी, 4,000, टैली मारता है, तो ग्रे बोला इतना इतना दे रहा हूं मैं, ढोकली यही कहां जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में, टू ग्रे कैपिटल इन ग्रे, डायरेक्टली कैपिटल इन ग्रे कितना रे भाई, एक्स को मिला 1,000 और वाई को मिला 4,000, है नहीं, ए बाबू मुशा है, वाई को डेबिट बैलेंस आ गया रे, वो क्या करेगा, कैश लेकर आएगा ना, पढ़ो लास्ट लाइन ऐसा ही बोला है क्या, वाई विल ब्रिंग इन कैश, है नहीं, तो मैं क्या करूंगा, बाय कैश कितना आएगा, 4,750 4,750, और बची हुई रकम कौन ले जाएगा, टू कैश एक्स 10,000 माइनस 2750 माइनस 1,000
6250 और हमको जाकर देखना पड़ेगा कि कैश अकाउंट ऐसे करने के बाद में टैली होता है क्या। बच्चे बहुत फास्ट कर रहे हैं यार, नहीं शायद तू कर नहीं रहा बेटा, मुझे तेरे पर पूरा भरोसा है तू कर नहीं रहा है। ये कर रहा है कि देख ढोकला ये, हाँ कर रहा है, बचा लिया तेरे को उसने, ठीक है। तो बेटा क्या बनाया, कैश अकाउंट बनाया, कैश में टू वाइज कैपिटल अकाउंट 4750 एंड बाय एक्स कैपिटल अकाउंट पेमेंट 6250 और ये टैली हो गया क्या? यस। क्या अड़चन है लाइफ में? टैली हो गया सर, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा काम करते वो, ए चंपे सुन, जर्नल एंट्री मारी थी ना इधर, मारनी पड़ेगी बेटा वापिस। ये किसके बुक्स की थी? ब्लैक एंड कंपनी। और अब मैं साइड में करूंगा किसकी? व्हाइट एंड कंपनी। व्हाइट एंड कंपनी को ब्लैक में लिखते हैं। पहली एंट्री क्या होगी? बिजनेस परचेज टू व्हाइट एंड कंपनी 5000। बैठे क्या हो आप, लिखने क्या है ये दोनों एंट्री? हाँ क्यों नहीं होगी बेटा? अरे ढोकले, इन द बुक्स ऑफ ग्रे एंड कंपनी है, ज्ञान मत बांट ज्यादा, इन द बुक्स ऑफ ग्रे एंड कंपनी सारा डेढ़ होशियारी बना कर रहा है, कभी तो भी समझाया तेरे को, तो डेढ़ होशियारी कर रहा है। इन द बुक्स ऑफ ग्रे एंड कंपनी होगी एंट्री, बट मैं आपको दो एंट्री बता रहा था, एक ब्लैक एंड कंपनी की और एक व्हाइट एंड कंपनी की। एग्रीड बेटा? कंबाइंड एंट्री में जानबूझकर नहीं कर रहा हूं, पहली प्रॉब्लम है एकदम अच्छे से समझेंगे कि एक्चुअली हो क्या रहा है, माजरा क्या। अभी यही प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा विद रिवैल्यूएशन मॉडल। नाराज क्या हो रहे, करना पड़ेगा। सेकेंड एंट्री बताए, प्लांट एंड मशीनरी कितने की है बेटा? इन्वेस्टमेंट तो लिया नहीं। अरे ढोकले, प्लांट एंड मशीनरी है कहां पे इसके बुक्स में? पी के आया क्या सुबह सुबह? सुबह सुबह पी के आया साला। स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड बेटा कितना लिखा अपन ने? अरे दे दूंगा समय लिखने के लिए। स्टॉक इन ट्रेड 7500, थैंक यू सर सो मच। और क्या है बेटा? डेटर्स, बेटा डेटर्स कितना? हाँ 7000। टू क्रेडिटर्स, सर कैश नहीं लेंगे क्या? नहीं बेटा कैश नहीं लिया हमने। क्रेडिटर्स कितने के? 9500। टू बिजनेस परचेज 5000। फिर वही पुरानी थर्ड एंट्री, व्हाइट एंड कंपनी को बोलने का 5000 रुपए तुमको देने का, सो बोलने का टू एक्स कैपिटल टू वाइज कैपिटल, एक्स कैपिटल को मिला 1000, वाई को मिला 4000। बेटा अब इनके असेट्स और लाइबिलिटीज और इनको जो कैपिटल देना और वो देना, वो सब कुछ सल्टा दिया हमने। समझ आ रही क्या बात?
बेटा अगला 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 सुनिए, फोर्थ वन, फोर्थ एंट्री, कोई बता सकता है क्या मुझे क्या होगी? क्या बात है मेरे बच्चे, म्यूचुअल ओइंग्स, आइला तू भी इधर मैं भी इधर, कैंसिल कर दे, पर कितना इधर बे 2000, हाँ है ना? तो एंट्री क्या होगी? सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट 2000, 2000, क्या बोल रहे बेटा? अभी तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ा है, बैलेंस शीट बनाने की है? अरे तुम तो ऐसा सोच रहे हो जैसे उसमें मेरा भला हो रहा है, मुझे बहुत मजा आ रहा है। ये बेटा तुमको एक चीज रियलाइज हुई क्या? दो मिनट करवा देता हूं, डोंट वरी। तुमको एक चीज रियलाइज हुई क्या कि बेटा ये 36,000 नए फॉर्म में अगर एंट्री पूछा तो मुझे तभी पता चलेगा जब मैं उसके कैपिटल अकाउंट को सॉल्व करूंगा, अदरवाइज इट इज इम्पॉसिबल दैट यू विल गेट टू नो दैट 36,000 विल बी ट्रांसफर्ड टू लोन अकाउंट। यस, इतना बड़ा है नहीं, अपन ने कर दिया सब कुछ सॉल्व कर दिया इसका। अब इधर बैलेंस शीट किसकी? ग्रे एंड कंपनी। अरे ग्रे एंड कंपनी में पार्टनर कितने हैं? चार, ए बी एक्स वाई। ए का कितना था? 2000। बी का कितना था? 3000। इसका कितना था? 1000। इसका कितना था? 4000। प्रॉब्लम पर पूरा कंट्रोल रखो। बी इज लोन अकाउंट, सच अ ब्यूटीफुल पीपल, आई विल टेल यू सर, 36,000। ढोकले क्रेडिटर्स कितना आएगा? दोनों के ऐड कर क्रेडिटर्स 10,000 प्लस 9,500, नहीं 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 गलत लिख दिया मैंने, 7,000 प्लस 9,500 माइनस 2,000 कितना आएगा? 14,500। यू आर राइट सर, राइट सर। देन प्लांट एंड मशीनरी 8,000, इन्वेस्टमेंट तो आएगा नहीं। स्टॉक इन ट्रेड सर प्लीज बता दीजिए ना, इन द ब्रैकेट कितना है ढोकले? 30,000 प्लस बशी 7,500। अरे इतना सिंपल है यार। सन्ड्री डेटर्स, सो बेटा ये आएगा 10,000 प्लस 7,000 माइनस 2,000, हाउ मच? 15,000। कैश इन हैंड नहीं आएगा क्योंकि कैश इन हैंड हमने लिया नहीं है। देखो तो ठाकुर साहब टैली हो रहा है क्या? पक्का हो तो रहा है ना? कैसा लग रहा है मुझे बताया? कोई खास नहीं लग रहा है तुम्हें, बट अगर इस प्रॉब्लम को मैं स्लो करता ना थोड़ा और, तो जब तक मैं पहले पार्ट का लास्ट पार्ट तक आता ना, अभी स्लो करते करते तुम भूल चुके होते। इस प्रॉब्लम को स्लो कर कर मैं पढ़ा कर देख चुका हूं, जो फास्ट में थोड़ा बहुत समझ में आया, यहां से यहां फ्लो हो रहा है दो कंपनीज का, दो फर्म का। स्लो में रेगुलर बैच में इट टेक्स अराउंड 1.5 आवर, फिर बच्चा बुम्बा बुम करते ही फिरता है, नहीं झेपा। तो बताओ क्या क्या किया? ए ढोकले पहले क्या किया? एक पहली कंपनी को देखो, क्या नाम है उसका? ब्लैक एंड कंपनी। दूसरी का नाम क्या है? व्हाइट एंड कंपनी। पहले पीसी निकाला उनका, पीसी निकाल कर फिर क्या किया उनको? कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे?
पीसी निकाल कर पहले पूरा का पूरा बुक्स को क्लोज किया, ये रियलाइजेशन अकाउंट मॉडल था। पूरा बुक्स क्लोज किया, पीसी ड्यू बनाया, पीसी ड्यू बनाने के बाद में मिला क्या क्या, एक्स कैपिटल सॉरी एज कैपिटल, बीज कैपिटल, बीज लोन अकाउंट, ये तीन चीजें हमको नई फॉर्म में मिली। डू यू एग्री? जब हम उनका लाइबिलिटी ले रहे थे तो हमने थोड़ी सी कम कर ली थी, यस और नो? व्हाई? बिकॉज सेटलमेंट शुड बी डन इन दी स्टैंड अलोन। डू यू एग्री? यस। फिर वैसी एंट्री हमने किसके बुक्स में की? वाई एंड कंपनी, वाइट एंड कंपनी, पूरी की पूरी बैलेंस शीट खाली की। खाली करने के बाद में पीसी ड्यू बनाया, पीसी ड्यू बनाने के बाद में वो जो मिलने वाला था कैपिटल वो लिया, एक आदमी कैश लेके आया, दूसरा आदमी कैश लेकर गया। फिर इन्हीं दोनों चीज़ों को हमने इनकॉर्पोरेट किया इन द बुक्स ऑफ ग्रे एंड कंपनी। पहले एक्स को इनकॉर्पोरेट किया, एक्स मतलब ये क्या नाम उसका, ब्लैक को किया, फिर किसको किया, वाइट को किया। डन डन डन, सेम प्रॉब्लम सर, लेट अस सॉल्व इट, रिवॉल्यूशन मॉडल। अब ये बोल रही है कि छोरी एंट्रीज बाकी है, सुनो ओरली एंट्रीज बोलता हूँ, ये मानेगी नहीं तब तक। लेजर बनाए तो एंट्रीज तो अभी आनी चाहिए ना। पहली एंट्री देखो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी टू स्टॉक इन ट्रेड टू सन्ड्री डेटर्स, एग्रीड? फिर नेक्स्ट एंट्री, सन्ड्री क्रेडिटर्स बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। एंट्री नंबर थ्री, ग्रे अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 41,000, बैंक ओवरड्राफ्ट लेकर गया कौन, बी। तो क्या एंट्री आएगी, बैंक रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल। डन। फिर क्या करेंगे, फिर जो आपको मिलने वाला है वो दे देंगे, किसको किसको दे देंगे, एंड रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस निकालेंगे, ट्रांसफर करेंगे और फिर ए और बी को दे देंगे और बीज लोन। से यस, दैट्स इट। वैसे तो एंट्री करनी है, क्या बड़ी बात है, कर लेंगे ना ढोकली। अब सुनो तो सही, रिवैल्यूएशन मॉडल से कैसे करते हैं? सेम क्वेश्चन रिवैल्यूएशन मॉडल से। कौन सी बुक है बेटा, पहले कौन सी बुक में करूं? बस तुमने बोला मैंने सुन लिया, ब्लैक एंड कंपनी। इसमें बनाते क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये मुझे इलॉजिकल लगता है, बस मजबूरी में बना रहा हूं, समझ लो तुम्हारी मॉड्यूल है ना लाइक, इसलिए बना रहा हूं। क्योंकि अदरवाइज इफ यू सी लॉजिकली, यार फॉर्म रहने वाली थोड़ी ना, ब्लैक एंड कंपनी इज नॉट गोइंग टू बी देयर, इट इज गोइंग टू बिकम व्हाट, ग्रे एंड कंपनी। रियलाइजेशन होना चाहिए, बट मॉड्यूल बोलते हैं ना ना, तो ना अपने को क्या फर्क पड़ रहा है। बताओ किसका किसका रिवैल्यूएशन हुआ, प्लांट का, सो मैं लिखूंगा टू प्लांट एंड मशीनरी। 10,000 का रिवैल्यूएशन हुआ कितने में, 8,000, तो लॉस 2,000। फिर स्टॉक इन ट्रेड कितने का फायदा हुआ दादा, क्या हुआ बेटा, ठीक है ना सब कुछ, हाँ 10,000 भाई, मैं ठीक है ना सब कुछ, ध्यान रखा बेटा। बेटा सन्ड्री डेटर्स का लॉस हुआ है, रिवैल्यूएशन लॉस नहीं, डेटर्स का ही हुआ ना, नहीं पेबल है इनका, सन्ड्री क्रेडिटर्स। बेटा मुझे एक बात बताओ, कौन किसको ओव कर रहा था, हु वॉज ओइंग होम, ब्लैक एंड कंपनी ओव्स व्हाइट एंड कंपनी। सो बेटा ब्लैक के इसमें लाइबिलिटी होगी, उसको लाइबिलिटी ज्यादा देना है कि कम कम, सो प्रॉफिट हुआ बाय क्रेडिटर्स 3,000 से हो कूल, एम आई कम्युनिकेटिंग? अच्छा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस कितना है, अभी और कोई एडजस्टमेंट बची नहीं ना, और कोई एडजस्टमेंट बची है क्या, नहीं और कोई नहीं बची है। देखो पिछली बार आपका रिवैल्यूएशन का, इसका रियलाइजेशन का प्रॉफिट कितना आया था, देख तो ले छोरी है, ये देखो 11,000 ही आया था क्या, वही प्रॉफिट इधर आ गया ना। बस फिर क्या करना है, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्या नाम लिखेंगे, ए बी, बताओ कितना है। अरे ढोकले बताएगा क्या कि ऐसे खुश होगा बेटे बेटे, 3667 और 7333, ये टैली
ये रिवैल्यूएशन अकाउंट। और बेटा फिर क्या बनाने का है? झूठे चुप। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन नाम है? ए बी, ए बी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 19,000, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन डन। बेटा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है कि लॉस है? प्रॉफिट। सो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 3667 और 7 3 हो बाढ़ तू खरी है। उसके बाद में बेटा नेक्स्ट आइटम कौन सा है? बिल्कुल सही, हु हैज टेकन अप द ओडी बेटा? बी। सो आई विल राइट डाउन बाय बैंक ओडी 15,000। ऑलराइट, हो गए सारे एडजस्टमेंट। अब क्या मिल रहा है? ए को टू, कॉन्ट्रा एंट्री करनी पड़ेगी ना। सो इसको क्या मिल रहा है? कैपिटल इन न्यू कंपनी टू, कैपिटल इन ग्रे एंड कंपनी। ए को कितना मिल रहा है? 2,000। बी को कितना मिल रहा है? 3,000। मगर ए को आ रहा है कौन सा? डेबिट बैलेंस। तो इसको किसने दिया? बी ने। तो हम यहां पर लिखेंगे बाय बीज कैपिटल अकाउंट कॉन्ट्रा 2333 और टू एज कैपिटल। बी के कॉलम में 2333। जाहिर सी बात है कि बी का कैपिटल टैली नहीं हो रहा है, तो इसको बोलेंगे ले भाई टू लोन इन ग्रे एंड कंपनी। कितना बेटा? 36,000। क्या लगता है आपको? ये वाले मेथड से भी हम कर लेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि रिवैल्यूएशन मॉडल बताने के पीछे कारण एक ये भी रहा होगा कि जनरली वो आपको एंट्रीज पूछते हैं इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी, तो इसलिए शॉर्टकट। एब्सोल्युटली राइट, बट अदरवाइज द फर्म गेट्स डिसॉल्वड, द अर्लियर फर्म इज नॉट इन एग्जिस्टेंस, द न्यू फर्म इज ग्रे एंड कंपनी, द नेम इज चेंज्ड। So it would be more logical and meaningful that what do? You create realization account. That's right. Exam में कैसे करने का? मैं आपको clear instruction दे दूँ, you should go by revaluation model. जो examiner ने module में किया वही करो। और अब आता है ना यार दोनों method, क्या तकलीफ है अभी? Realization वाला method इसलिए सिखाया ताकि उसमें आपका revision अच्छे से हो गया, concept embed हो गए, figures embed हो गए। अब फिर वो figure कैसे flow हो रहे हैं ये revaluation के through समझ में आ गया। समझ में आया? आई थिंक यू विल बी एबल टू डू इट नाउ। पक्का? एक मॉड्यूल की प्रॉब्लम देख ली जाए, देख ली जाए ना, किसी को बताना मत। ए ढोकली ध्यान दे इधर, जब देखे तब है ना चालू हो जाती है। We are going to solve this problem, huh? We are there on illustration number 1. Kya? Dikh rahi hai na idhar? Yes. Can you please shut up your mouth? Just focus. B and S are partners of S and company, sharing profits and the losses in the ratio of 3:1. S and T are partners of T and company, sharing profits and the losses in the ratio of 2:1. मतलब S common है. S इस form में भी है. S इसी form में भी है. On 31st October 2012,
दे डिसाइडेड टू अमैल्गमेट एंड फॉर्म अ न्यू फर्म मेसर्स बीएसटी एंड कंपनी वेर इन बीएसएनटी वुड बी पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1 गुड देयर बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट वर एज अंडर ड्यू टू एक्स एंड कंपनी इसको बोलते कमीनापन अरे बाबा ड्यू टू एक्स एंड कंपनी मतलब क्या है पता है क्या मेरे को बोलने देते क्या प्लीज अरे इधर फर्म के नाम क्या है पहली वाली कंपनी कौन सी है एस एन कंपनी दूसरी वाली कंपनी कौन सी है टी एन कंपनी वो इधर धीरे से बोले ड्यू टू एक्स एन कंपनी ये कोई तो तीसरी फर्म है तुमको लगेगा म्यूचुअल होइंग्स है ऐसा कुछ नहीं है मैं क्या बोला छिपा क्या एक्स एन कंपनी कोई तीसरी चे नेक्स्ट ड्यू टू एस एन कंपनी ये म्यूचुअल अदर क्रेडिटर्स रिजर्व्स कैपिटल बी एस टी कैश इन एंड कैश एट बैंक ड्यू फ्रॉम टी एंड कंपनी माँ कसम ड्यू फ्रॉम एक्स एन कंपनी मतलब क्या लोचा हुआ मालूम है क्या एक्स एन कंपनी माँ कसम दोनों फॉर्म्स में अलग अलग जगह पे एक की लाइबिलिटी और एक की एसेट तो जब वो दोनों एक हो जाएंगे ना तो उतना सेटल होगा कितने से बेटा 30,000 सब ठीक है ना 10,000 से सेटल नहीं होंगे गाढ़ा छाप अगरबत्ती 30,000 से होंगे मेरे को लगा साला मोमबत्ती उजाला देगा अगरबत्ती निकला साला अभी आप तक ये बात पहुंची क्या बेटा सेटलमेंट 40,000 और 30,000 में कितने का होगा जब दोनों एक साथ आ जाएंगे एक असेट आएगी 30,000 की और एक लाइबिलिटी आएगी 40,000 की सो हाउ मच यू कैन सेटल 30,000 एग्रीड और नॉट लेट्स मूव ऑन अदर डेटर्स स्टॉक फर्नीचर व्हीकल्स मशीनरी बिल्डिंग द अमालगमेटेड फर्म टुक ओवर द बिजनेस ऑन द फॉलोइंग टर्म्स Goodwill of SN company was worth 60,000 and TN company was 50,000. Goodwill account was not to be opened in the books of new firm. Matlab nahi firm mein goodwill nahi aayegi. The adjustment being recorded through capital account of the partner. I think this adjustment is not related here. It was already done in group 1 accounts. What do you do in this case? You raise the goodwill in old partners and you write off the goodwill in new PSR. Building machinery and vehicles were taken over at 15, 90 and 1 lakh respectively. Good. Provision for doubtful debts has to carried forward at 4,000 in respect of debtors of SN company and 5,000 in respect of debtors of TN company. Not a big deal, sir. You are required to compute or do the necessary adjustment for goodwill. We'll do it, sir. And pass the journal entries in the books of BST and company, assuming that excess deficit capital, taking T's capital as base with reference to share in profits, are to be transferred to current account. Not a big deal. I'll take care of that. But आपको एक चीज पता चली क्या? कहीं पर भी नहीं बोला है कि किसका कितना capital रहेगा. कहीं पर भी नहीं बोला है कि किसका कितना capital है. Yes or no? क्या टी का कैपिटल का बेस मगर टी का कैपिटल कितना है तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा पता है क्या पुरानी फर्म में उनका कितना कैपिटल का बैलेंस है वो निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा कहीं पर भी ये नहीं बताया कि किसका कितना कैपिटल है यस और नो सो यू हैव टू फर्स्ट कैलकुलेट व्हाट इज द बैलेंस ऑफ ईच वन ऑफ देम्स कैपिटल एंड देन वी हैव टू मेक द एडजस्टमेंट ठीक है तो चलिए अभी जैसा मैं आपको बता रहा हूँ वैसा करना शुरू करिए रेडी हो ढोकली रेडी है पहले एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल उन्होंने पूछा है देखो बेटा ऐसा सेम टाइप का क्वेश्चन मेरे बुक में भी है दैट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4th C
सेम क्वेश्चन इज देयर इन क्वेश्चन नंबर फोर्थ विथ ओनली वन एडजस्टमेंट विच इज लैकिंग. जो इंटर कंपनी ओविंग्स है यहां पर दो है और जो मैंने प्रॉब्लम ली उसमें एक ही है इंटर कंपनी ओविंग और इंटर कंपनी ओविंग दोनों के बीच में. ठीक है तो मैं क्या करता हूं यहां पर सिर्फ एक्स एन कंपनी का कैंसिलेशन कैसे होगा वो बता देता हूं. 10,000 जाएगा बाकी का फिर हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे क्योंकि आपके पास वो प्रॉब्लम देखने को मिलेगी आपको अंडरलाइन वगैरह करने को मिलेगी. एक एडजस्टमेंट अगर हम छोड़ दे तो बाकी पूरी प्रॉब्लम सेम टू सेम है सिमिलर टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट. नहीं नहीं सब बैलेंस शीट वगैरह चेंज करनी पड़ेगी ना को रफ. ये देख बेटा पहले इसमें ये क्या था देखो पहले इसमें ये क्या था लाइबिलिटी है क्या 40,000 एस एन कंपनी में और दूसरे वाले में क्या है असेट है क्या 30,000. तो जब हम एक्विजिशन कर रहे हैं तब देखो कैसे होगा. एक्स एन कंपनी 40,000 की लाइबिलिटी आई क्या 30,000 के असेट आई क्या ढोकले. और बेटा जी फिर हम क्या करेंगे उनको सेटल करना पड़ेगा. उन्होंने सेटलमेंट की एंट्री नहीं की अगर आप चाहते तो उसकी सेटलमेंट की एंट्री आप कर सकते थे. एग्रीड. सो लेट्स स्टार्ट विथ आर क्वेश्चन नंबर व्हाट फोर्थ. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग क्वेश्चन नंबर फोर्थ. ये प्रॉब्लम मैंने पढ़ी जस्ट टू गिव यू कॉन्फिडेंस कि आ जाएगा मॉड्यूल की प्रॉब्लम्स. ए डोकरे चल पढ़. ठीक है क्या. ए एंड बी आर पार्टनर्स ऑफ ए बी एंड कंपनी शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड द लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1 एंड सी एंड डी आर पार्टनर्स ऑफ सी डी एंड कंपनी शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड द लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2 ऑन 1st April 2011 दे डिसाइडेड टू अमालगमेट एंड फॉर्म अ न्यू कंपनी मेसर्स ए डी एंड कंपनी वेर इन ऑल द पार्टनर्स ऑफ बोथ द फर्म्स वुड बी पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड द लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1:3:2. पहले इसमें कौन थे बेटा ए बी दूसरे इसमें कौन है सी डी. देयर बैलेंस शीट ऐसा दिया है ए का बी का सी का डी का रिजर्व क्रेडिटर्स ड्यू टू ए बी एन कंपनी बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर स्टॉक डेटर्स ड्यू फ्रॉम सी डी एन कंपनी कैश एट बैंक एंड कैश इन हैंड. द अमालगमेटेड फर्म टुक ओवर द बिजनेस ऑन द फॉलोइंग टर्म्स बिल्डिंग वॉज टेकन ओवर एट 1 lakh 1,25,000 ऑफ ए बी एन कंपनी एंड सी डी एन कंपनी दोनों की बिल्डिंग की वैल्यू दी है एंड मशीनरी वॉज टेकन एट 125 and 110 ऑफ ए बी एंड सी डी कंपनी रिस्पेक्टिवली. गुडविल ऑफ ए बी एन कंपनी वॉज वर्थ 75,000 एंड सी डी एन कंपनी वॉज वर्थ 50,000. गुडविल अकाउंट वॉज नॉट ओपनड इन द बुक्स ऑफ न्यू फर्म द एडजस्टमेंट बींग रिकॉर्डेड थ्रू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. Provision for doubtful debts has to be carried forward at 5,000 in respect of debtors of ABN company and 8,000 in respect of CDN company. Why adjustment? You are required to make the necessary adjustment for goodwill. Very simple. What you have to do is, sir, you have to first transfer the goodwill to old partners in old PSR. And then you have to write off the whole goodwill, total taken together, new partners in new PSR. So how do we do it? Here is question number 4 for you people. All right. So, ek working note banaiye beta aap ye. Adjustment for raising and writing of goodwill, 15 lines. Dokle jaldi kar.
ओके बेटा, चलिए बेटा देखो क्या करते हैं हम इसमें। गुडविल इज रेज्ड, एवरीवन पे अटेंशन, पे अटेंशन। एबी की गुडविल कितनी है? एबी एंड कंपनी की गुडविल कितनी है? 1 लाख, आई एम सो सॉरी, 75,000। सो 75,000 शुड बी रेज्ड इन ओल्ड पीएसआर। ओल्ड पीएसआर इज हाउ मच? 2:1। सो कैन आई से ए विल बी क्रेडिटेड विथ 50,000 एंड बी विल बी क्रेडिटेड विथ 25,000? डू यू एग्री? नाउ प्लीज चेक व्हाट इज द गुडविल ऑफ CDN कंपनी, हाउ मच इज दैट? इट इज 50,000। सो 50,000 वुड बी ट्रांसफर्ड इन द रेशियो ऑफ 3:2। सो कैन आई नॉट से 30,000 एंड 20,000? डू यू ऑल एग्री? ये गुडविल रेज कर दी, टोटल गुडविल कितने की रेज हो गई? 75 प्लस 50,000, 1,25,000। अगर आप फील कर रहे हो तो पहले मैंने ये दो पोर्शन रेज किया, फिर मैंने ये दो पोर्शन रेज किया। अब गुडविल को राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ कैसे होगी? इन न्यू पीएसआर, कैन यू प्लीज गिव मी द रेशियो? 2:1:3:2। सो बेटा कितना आएगा बेटा जी? 125 डिवाइड बाय 8:2। कैन आई हैव द आंसर? 31,250। नेक्स्ट 15,625। नेक्स्ट 46,875, 31,250. इट इज अगेन 1,25,000। कैन आई नॉट से इट इज क्रेडिटेड? इट इज क्रेडिटेड, इट इज क्रेडिटेड, क्रेडिटेड, डेबिटेड, डेबिटेड, डेबिटेड एंड डेबिटेड। गिव मी द नेट नेट इफेक्ट। 18,750 क्रेडिट, 9,375 क्रेडिट, 16,875 डेबिट। एग्रीड? दिस इज द गुडविल एडजस्टमेंट, दैट्स इट। खुश करो जल्दी से कंप्लीट। Can we tick mark the first part of the question? Now, boys and girls, what is the second part of the question? Please read it. Pass necessary journal entries in the books of ADN company, assuming that excess or deficit capital, taking D's capital as base,
विथ रेफरेंस टू शेयर इन प्रॉफिट्स आर टू बी ट्रांसफर्ड टू करंट अकाउंट. मगर एंट्री किसके बुक में पूछी है? एडीएन कंपनी. सो बेटा एडीएन कंपनी के बुक्स में मैं आपको एंट्री बताऊं क्या क्या होगी. पहली एंट्री होगी आपकी, क्या बोली डोकरी, पहली एंट्री होगी आप उस एबीएन कंपनी को एक्वायर कर रहे हो. दूसरा किसको एक्वायर कर रहे हो? सीडीएन कंपनी को. एम आई कम्युनिकेटिंग? तो जरा ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूं. ये एंट्री किसकी हुई? एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल. एग्रीड? अब जरा ध्यान से देखो. वील हैव टू कैलकुलेट द पीसी फर्स्ट. लेट मी नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग 1 lakh एंड व्हाट अबाउट दिस 1,25,000. मशीनरी की वैल्यू कितनी है? 1,25,000. गुडविल की वैल्यू कितनी है? गुडविल की वैल्यू कितनी है एबीएन कंपनी? 75,000. फर्नीचर वगैरह बुक वैल्यू पर ही लूंगा मैं 15,000. स्टॉक 24,000. डेटर्स 65,000. ड्यू फ्रॉम सीडीएन कंपनी लेंगे क्योंकि म्यूचुअल ओइंग्स कहां पे नॉक ऑफ होती है? ट्रांसफरी. तो अभी तो हम पीसी निकाल रहे हैं. नेक्स्ट कैश एट बैंक एंड कैश इन हैंड. इसके अलावा मुझे और एक चीज लेनी पड़ेगी, गुडविल. लाइबिलिटीज टेकन ओवर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5,000. क्रेडिटर्स 52,000. 57,000. पीसी 3,41,000. डिडंट वी टेक गुडविल? गुडविल वी हैव एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. दैट इज द रीजन वी हैवंट टेकन गुडविल. Are you getting my point? New firm is not acquiring the goodwill because it is adjusted through what? Partner's capital account. Have you understood this? But next, CDN company. Building kitne ki hai unke? 1,25,000. Machinery? 1,10,000. Furniture? Book value? 12,000. Stock? 36,000. Debtors? 78,000. Cash at bank? 15,000. Bank? 5,000. Total 3,81,000. Okay. Less. Provision कितना आएगा बेटा उनका? 8,000. और ये कितना आएगा? Creditors 35,000. Due to ABN company भी लेना पड़ेगा 47,000. 90. I've got 2,91,000 as the PC. General PC निकालना. PC निकालने के बाद में हमने क्या किया? Building, machinery, furniture, stock, debtors. Due from CDN company, cash at bank, cash in hand, to provision for doubtful debts, to creditors, to ABN company. Say yes. Similarly, I do what? Building, machinery, furniture, stock, debtors, cash at bank, cash in hand, to provision for doubtful debts, to creditors, due to ABN company, to CDN company. Agreed? बेटा दोनों entries में हमने payable बनाया. पहले ABN company को payable बनाया और दूसरे केस में किसका? CDN कंपनी को पेबल बना. यस और नो? नाउ कम्स अ क्वेश्चन, किसको कितना दूं? प्लीज फील द प्रॉब्लम वेर आई एम गेटिंग स्टक अप. आर यू फीलिंग द प्रॉब्लम वेर आई एम गेटिंग स्टक अप? साला एंट्री करूं तो किधर करूं? सिंपल है फिर. ABN कंपनी टू AS कैपिटल आई विल हैव टू गो एंड कैलकुलेट इन द बुक्स ऑफ ABN कंपनी व्हाट वुड बी द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. मतलब उनको 341 मिलेगा ना. तुमने पीसी 341 बोली तो उनको मिलेगा ना. वो कितना लेंगे एक दूसरे में बांटकर? तो फिर यस कैपिटल अकाउंट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. देखो एक 150 1 lakh रिजर्व बांटते ओल्ड पीएसआर में. बेटा 66,000 को ओल्ड पीएसआर में बांटो. 44,000 एंड 22,000. एग्रीड बेटा? इसके अलावा बाय रियलाइजेशन अकाउंट जरा देखो मुझे. बिल्डिंग कितने की थी? बिल्डिंग कितने की थी? 75,000. बेटा 75,000 का ऊपर कितना गया? 1 lakh. हाँ या ना? और बेटा जी दूसरा क्या? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना है? 5,000. तो बेटा प्रॉफिट कितने का हुआ? क्या 25,000? कितने का प्रॉफिट हुआ? ओल्ड पी एस आर क्या है 20,000 को बांटने के लिए? 2:1. तो ये देखो आपने बिल्कुल सही बताया, 20,000 का प्रॉफिट हुआ. नीचे लिखिए देखो नोट, 20,000 का प्रॉफिट हुआ. हाँ या नहीं? कि बिल्डिंग पर कितना हुआ? 25,000 का.
और आरडीडी में कितने का लॉस हुआ? 5,000 का. सो द प्रॉफिट इज हाउ मच? 20,000. दैट इज द वे यू हैव डिस्ट्रीब्यूटेड. अरे 20,000 आना चाहिए. अच्छा मशीनरी में भी 5,000 प्रॉफिट है क्या? ओ आई स्किप दैट. यस मशीनरी में भी प्रॉफिट है. मशीनरी इज टेकन एट व्हाट? 125. सो ये क्या बांटा बेटा? रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट बांट दिया. हाँ या ना बेटा? इसको क्या किया? राइट ऑफ. ए राइट ऑफ क्या? ट्रांसफर किया. सो बेटा अब इन दोनों की टोटल लो जरा कितनी आ रही है. लो जरा कितना बेटा? एंड दैट इज व्हाट वाज द पीसी क्या? तो ए को मिलेगा इतना, बी को मिलेगा इतना. एग्रीड? फिर बेटा क्या करेंगे? CDN कंपनी, सी इज कैपिटल, उसका भी ऐसे ही वर्किंग करेंगे. सुन लो अभी मेरी बात, मान लो ऐसे ही करेंगे. एग्रीड? ये आया और ये आने के बाद में इसको दिया. अब जरा ध्यान से सुनो क्या इश्यू क्या हो रहा है. ए का कैपिटल मिला, बी का मिला, सी का मिला और डी का मिला. अरे थाम ना रहा. ए का मिला, बी का मिला, सी का मिला और किसका? डी का मिला. यू गॉट द कैपिटल? सुनो तो सही. अब इसके अंदर जो गुडविल के एडजस्टमेंट की थी ना वो करेंगे. जो गुडविल के एडजस्टमेंट की थी ना वो करेंगे. फिर इसके अंदर किसका बेस लेने का है? डी का. डी का जो कैपिटल आएगा उसका बेस लेके पूरे फॉर्म का कैपिटल निकालने का, रिवर्स करके, रेसिप्रोकल लेकर, और उसके फर्म के कैपिटल से पीएसआर में बांट देने का. जो बैलेंसिंग फिगर है वो करंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा. ये म्यूचुअल इंडेटनेस कैंसिल हुआ? हाँ नहीं. अब जरा देखो बैलेंस आया इतना, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल जो तुमने जैसे बोला था वैसे मैंने बोला कर देना. फिर इनका इतना कैपिटल आएगा, किसका बेस बनाओ रे ठाकुर साहब? डी का. डी का शेयर कितना है? 2/8 क्या? वो डी का ही शेयर करना है क्या? सो बेटा जी 1,05,150 इंटू 8/2 कितना आता है? 4,20,000. 4,20,600 हैं. सो बेटा रिवाइज कैपिटल कितना आएगा? इनटू पहले वाले का कितना है? 2/8. तो मैंने कह सकता 105,150. दूसरे वाले ढोकले का कितना आएगा? 1/8 50,000. 52,575. और तीसरे वाले ढोकले का कितना आएगा? 1,00,000. बराबर आ रहा है क्या? और इस ढोकले का कितना आएगा? 1,50,150. से यस. ये इनके जो कैपिटल है ना, अब जैसे इसका कैपिटल इतना है, इतना रहने वाला है, बचाओ बैलेंस कहां जाएगा? करंट अकाउंट में. सो ट्रांसफर टू करंट अकाउंट टू कितना है? गुड. और दूसरे वाले का कितना आएगा? 87,133. पक्का ना? इनका किसी का कुछ नहीं ट्रांसफर होगा. तुम जो बोल रहे हो देख लो अपनी आंखों से, ठीक है क्या? और फिर यहां जाके कहीं प्रॉब्लम खत्म होगी. मुझे पता है रेगुलर बैच में तुमने किया नहीं था, मगर अभी करना पड़ेगा. चला शुरू करेंगे. बशी की उन गाँव पर फिर बेटा ये यहां तक आप आए थे, यहां तक आए थे ना? यस. नाउ यू आर ऑल रिक्वेस्टेड टू मेक द कैलकुलेशन ऑफ पीसी. प्लीज डू इट फास्ट. पद्मजा मैडम बिल्डिंग. सर मैं लिख देता हूं आपके लिए, दे दीजिए आप मुझे. अभी आप तो सितंबर में जिंदगी उजड़ गई ऐसे हो गया जैसे. हाँ
पहला साल है आर्टिकलशिप का, 2 सितंबर बाकी है अभी, एक के बाद ट्रांसफर ले लेगा। मशीनरी लिखो 125। मशीनरी 125। फर्नीचर कितना आएगा? 15,000। आज मैं जब तक ये प्रॉब्लम कंप्लीट नहीं होगी छोड़ूंगा नहीं, मैं सबकी बुक देखूंगा आज, आज मैं देखूंगा, पहले बोल रहा हूं। स्टॉक 24,000, डेटर्स और ऐसे सारी एसेट्स। डेटर्स 65,000, ड्यू फ्रॉम सिटी एंड कंपनी 47,000, कैश एट बैंक 18,000, कैश इन हैंड 4,000। आई हैवन टेकन गुडविल बिकॉज गुडविल इज नॉट टू अपीयर इन द बुक्स ऑफ द न्यू फर्म, सो इट वुड बी एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देन बिल्डिंग इज दूसरे वाले छोरे की भी लिख देते, बिल्डिंग कितनी है? यू आर एब्सोल्युटली राइट सर, 1,25,000। देन मशीनरी इज 1,10,000। देन फर्नीचर इज 12,000, 36,000, 78,000, nil, 15,000 और 5,000। आई एम सो सॉरी मगर मैं टोटल नहीं दिखाऊंगा। थ्री नाइन्टी एट कितना बता रहा आ गया? 381। ये पागल हो गया है छोरा, इसकी बातें मत मानो। 381 कहाँ से आएगा, लास्ट में वन का ही नहीं है। अच्छा 3,98,000 बोल रहा है तू, और कितना है? 2,81,000। अच्छा तू बेटा मेरा भी टाइम आएगा, ओके? और जब मेरा आएगा ना यहां तक आ गए क्या बच्चों? अब क्या करेंगे बेटा जी? असेट्स टेकन ओवर के बाद में लाइबिलिटीज टेकन ओवर। नलायको आवाज मत करो। लाइबिलिटीज टेकन ओवर पहली कौन सी लोगे? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। आरडीडी बेटा क्रिएट करनी है कितने की? 5,000। और क्रेडिटर्स बेटा कितने के आएंगे? 52,000 एट बुक वैल्यू ओनली। एग्रीड। एक लाइन छोड़ना पड़ेगा ड्यू टू एबीएन कंपनी के लिए। दूसरे वाले की आरडीडी कितनी आई बेटा? 8,000। क्रेडिटर्स बेटा 35,000। एब्सोल्युटली राइट। और ये ड्यू 47,000 बेटा। नेट असेट कितना आया था? असेट टेकन ओवर 3,81,000 ना। पहले वाले का कितना आ रहा है पीसी? 341। और दूसरे वाले का 291। नोट लिखिए, गुडविल इज नॉट टेकन ओवर एज गुडविल इज एडजस्टेड विद इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब चले आगे। अब बेटा हमको एंट्री करनी किसके बुक्स में? इन द बुक्स ऑफ
एबीएन कंपनी, बेटा देखो बराबर से अटकना उस जगह पे, तब क्लिक होगा कि क्यों करना पड़ रहा है उसका कैपिटल अकाउंट। क्लैरिटी आ रही है? यू शुड फर्स्ट गेट द लॉजिकल रीजन व्हाई एम आई प्रिपेयरिंग दैट। पहले वर्किंग नोट कभी नहीं बनाओ, बहुत लेंथी प्रॉब्लम है ये। इसमें पहला क्या करेंगे हम, गुडविल का एडजस्टमेंट उन्होंने बोला वो किया, फिर पीसी निकाला, गुडविल नहीं लिया बिकॉज गुडविल इज नॉट टू अपीयर एंड इट इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, व्हेन आई एम गोइंग टू पोस्ट द जर्नल एंट्रीज, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? प्लीज रिमेंबर दैट व्हेन यू गेट स्टक अप कि देना कितना है, तब जाके हम उनकी बुक्स में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, ठीक है? सो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एडीएन कंपनी, पीसी को सामने रखो, एंट्री तुरंत हो जाएगी। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट बेटा कितना लिखना है आपको, 1 लाख, सही है ना? फिर बेटा जी अगला क्या है, मशीनरी अकाउंट 1,25,000, फिर फर्नीचर 15,000, स्टॉक 24,000, डेटर्स 65,000, आरडीडी में अलग से बनाऊंगा बेटा, ड्यू फ्रॉम सीडीएन कंपनी 47,000, कैश एट बैंक 18,000, कैश इन हैंड 4,000, टू क्रेडिटर्स 52,000, टू आरडीडी, बेटा पहले वाली की आरडीडी कितनी है, 5,000, टू एबी एंड कंपनी, इसमें हमने एंट्री पहले बिजनेस परचेज टू एबीएन कंपनी नहीं किया, डायरेक्टली एसेट लिया एंड टू एबीएन कंपनी बोल दिया, यस और नो? बता बेटा एबीएन कंपनी का कितना पीसी आया था, 3,41,000, ये टैली हो जाना चाहिए, सही है? नाउ वैसे ही हम एक्विजिशन की एंट्री करेंगे किसकी, वेरी गुड, सीडीएन कंपनी। बेटा इसको हाईलाइट लिख दो कि ये पेएबल है, किसको कितना है वी डोंट नो, क्योंकि हमें पार्टनर को देना है ना बस, किसको कितना वी डोंट नो, सो दैट इज द रीजन वी विल हैव टू गो इनटू देयर ओल्ड बुक्स एंड वर्क आउट व्हाट इज द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट? सो मेक द नेक्स्ट एंट्री बेटा जी, बिल्डिंग हाउ मच बेटा, वेरी गुड, 1,25,000, नेक्स्ट मशीनरी 1,10,000, फर्नीचर 12,000, स्टॉक 36,000, डेटर्स 78,000, कैश एट बैंक 15,000, कैश इन हैंड 5,000, टू क्रेडिटर्स 35,000, टू ड्यू टू एबीएन कंपनी 47,000, टू आरडीडी 8,000, टू सीडीएन कंपनी कितना आएगा बेटा, सीडीएन कंपनी नहीं, झूठ बोल रही, छोरी श्योर है? यस, 2,91,000, इंग्लिश ज्यादा हो गई, बस पूरी इंग्लिश आज एक दिन में मत बोल, 2,91,000, डन। बेटा मैं अभी आपको वापस सिखा रहा हूं कि मैं ऐसी कितनी एंट्रीज कर सकता हूं जिसमें मुझे उनका पार्टनर्स कैपिटल नहीं भी बनाते हैं, स्टिल आई विल बी एबल टू कोप अप विद द थिंग्स। एंट्री नंबर 1 कर दी, एंट्री नंबर 2 कर दी, एंट्री नंबर 3 में म्यूचुअल ओइंग्स सेट ऑफ कर सकता हूं क्या मैं? यस, सो लेट्स सेट ऑफ द म्यूचुअल ओइंग्स। क्या एंट्री आएगी बेटा जी, ड्यू टू एबीएन कंपनी इट इज 47,000,
टू ड्यू फ्रॉम CDN कंपनी, एब्सोल्युटली राइट, 47,000. रिगार्डिंग माई पॉइंट, दिस इज एंट्री नंबर 3. एंट्री नंबर 4 क्या आएगी? वी हैव ऑलरेडी वर्कड आउट द एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल ऑल्सो, वी कैन डू दैट एज वेल, यस ऑर नो? सो लेट्स डू द एंट्री ऑफ गुडविल. व्हाट इज द एंट्री ऑफ गुडविल? जरा देखो गुडविल की आपने वर्किंग की, उसमें क्या किया? सीज अकाउंट डेबिट, यस पीपल, हाउ मच? 16,008. ओके, फिर 11,250. टू एज कैपिटल 18,750. टू बीज अकाउंट 9,375. बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल. अगर तुम्हें सही समझ में आ रहा है तो दो लोगों को पेबल है, एबीएन कंपनी और सीडीएन कंपनी, मगर हम उनको कैश नहीं दे रहे. कैश दे रहे होते तो सिंपल एंट्री थी, एबीएन कंपनी अकाउंट डेबिट टू कैश, बात ही खत्म. वी आर नॉट गिविंग देम कैश, वी आर गिविंग देम व्हाट? कैपिटल. बट ब्लडी डैम इट, उसमें दो पार्टनर ए एंड बी. हाउ मच टू बी गिवन टू ए एंड हाउ मच टू बी गिवन टू बी? सो फॉर दैट आई हैव टू गेट इनटू देयर कैपिटल अकाउंट इन द ओल्ड फर्म्स. सो लेट्स क्रिएट टू वर्किंग नोट्स. क्रिएट अ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बेटा, एबीएन कंपनी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एबीएन कंपनी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 150 एंड 1 लाख. बेटा फिर एबीएन कंपनी का मुझे बताओ रिजर्व कितना है? रिजर्व इज 66,000, ओल्ड पीएसआर इज 2:1, तो 44,000 एंड 22,000. एब्सोल्युटली राइट मैम. ओके, और कुछ? रियलाइजेशन अकाउंट. बेटा गुडविल के एडजस्टमेंट इधर नहीं हो सकती क्योंकि ये ओल्ड फर्म की बुक्स है, तो इधर नहीं हो सकती. रियलाइजेशन का प्रॉफिट हमने निकाला था, लैंड पर हुआ था रियलाइजेशन का प्रॉफिट 25,000, मशीनरी पर हुआ था 5,000, और बेटा आरडीडी में हुआ था नुकसान, बिल्कुल सही, 5,000 का नुकसान. तो बेटा माइनस करने के बाद में अभी आपका कितना आ गया? 25,000. कैन यू गिव मी द फिगर प्लीज? 16,667 and 8,000. Please get me the closing balance. Can I get the closing balance, madam? 210,667 and 130,333. Shall we move on, beta? Bol kya query? Bol. ढोकले कोई क्वेरी है क्या? ढोकले की क्वेरी नहीं है. चलो, एबीएन कंपनी अकाउंट डेबिट 3,41,000,
टू ए इज कैपिटल टू बी इज कैपिटल यस और नो बींग एडजस्टेड अमाउंट ड्यू टू ए बी एंड कंपनी टूवर्ड्स देयर कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन. Now what is expected from you is what C and D company. So C D and company account debit 291. देख लो ये payable है क्या? Yes. अब आपको पता नहीं कि किसको कितना देना है, उसमें C को कितना देना है और D को कितना देना है. तो हम रुक करेंगे वापिस कौन सा, इन द बुक्स ऑफ C D and company partners capital account by balance brought down आएगा, by रिजर्व आएगा 54,000 शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सी एंड डी इन द रेशियो ऑफ 3:2. कितना आएगा बेटा? 32,400 एंड 21,600. और उसी तरीके से रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी निकालना पड़ेगा. रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट निकलेगा फॉर बिल्डिंग it is 35,000, for machinery 10 नहीं रहे 25 है ना मेरे से, नहीं 10,000, और RDD 8,000 है ना. सो कितना है बेटा? सो 37,000 यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट इन द रेशियो ऑफ 3:2, 22,200 एंड 14,800. Shall we tell it? So, कितना आ रहा? 174,600 आ रहा है क्या बेटा? और कितना? 116,400. Have you done this, dude? Now, my dear friend, where do we transfer this? You transfer it to the C is capital and D is capital. C and D is capital. Yavatmal, ठीक है ना? Now we are expected to do the last adjustment of current account. उसमें किसका बेस लेने का है? D. ओके सुनो, उस वर्किंग नोट को करने के पहले ए बी सी डी का बैलेंस एज पर वर्किंग नोट नंबर 2 और 3 जरा मुझे बता दीजिए कितना बैलेंस है. ए का कितना है? ए का अभी आपने कितना निकाला? 2,06,67. बी का 1,30,333. सी का और डी का 1,16,400. बराबर है क्या बेटा? एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल ये न्यू फॉर्म में ही करनी थी बेटा. ए को मेरे हिसाब से क्रेडिट हो रहा था, कितने का क्रेडिट हो रहा था? 1,87,750. बी को 9,375. क्रेडिट. सी को 1,68,75 डेबिट. और बेटा फिर डी को 11,250. ओके, कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल. एग्रीड? बताओ मुझे दोनों का ऐड करके कितना आ रहा है? 229,417. 139,708. माइनस किया ना बेटा 157,725 एंड 105,150. नाउ माय डियर फ्रेंड, डीज कैपिटल इज
105150 D's share is 2/8. So capital of firm is equal to capital of firm is equal to 105150 into 8/5 reciprocal. How much is that? Oh sorry, 8/2. हाँ कितना आ रहा है? 420 600. So I'll write down capital in new firm. So बेटा A का divide करो 420 600 into the ratio में लिख देता हूँ 2/8, 1/8, 3/8 and 2/8. I am sure इसका आएगा 105,150 और 139,708 का कितना आएगा बेटा जी? 420 into 600 into 1/8 कितना आ रहा है? 575. और इसका मेरे को याद आ रहा है, आपने बताया था पिछली बार भी सही उतना ही आया है. समझ में आ रहा ना? घर में जाके बोम तो नहीं करोगे ना, ये फिगर कहां से आया? 105,150 और 52,575 ले रहे भाई, कर देता हूं इधर ही. एक आएगा 420 600 इंटू 2/8, 420 600 इंटू 1/8, ये बी का. सिमिलरली सी और डी का, बता भी बेटा कितना आ रहा है? 124,267. ट्रांसफर टू करंट अकाउंट ना, 124,267. बी 871,333. निल निल. एंट्री कैसे आएगी बताया क्या? ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज करंट अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी इज करंट अकाउंट. बेटा यहां तक हो गया क्या आपका? छेदया हो गया क्या? ए इज कैपिटल टू ए इज करंट अकाउंट, बी इज कैपिटल टू बी इज करंट अकाउंट. प्लीज मेक दिस टू एंट्रीज, 1, 2, 7th and 8th. गई मत कर. यहां तक डन है क्या? ए इज कैपिटल टू ए इज करंट अकाउंट एंड बी इज कैपिटल टू बी इज करंट अकाउंट. यस शिलाय. बोटा जल्दी कर. बैलेंस शीट, ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, सी इज कैपिटल, डी इज कैपिटल, ए इज करंट अकाउंट, बी इज करंट अकाउंट, क्रेडिटर्स, बिल्डिंग रिवैल्यूड फिगर लेना, मशीनरी रिवैल्यूड फिगर लेना ऐड कर कर, फर्नीचर दोनों ऐड कर देना, स्टॉक दोनों ऐड कर देना, डेटर्स लेस आरडीडी, कैश एट बैंक और कैश इन हैंड, और आपकी बैलेंस शीट टैली होनी चाहिए. सो ए इज कैपिटल
रिवाइज वाला कितना आया था बेटा 105 150, बी का कितना आया था 50 575, सी का 157725, 105 150, ए का करंट अकाउंट का भी एंट्री किया आपने 124267, बी 87133, और क्रेडिटर्स आपको ऐड करने पड़ेंगे 52,000 प्लस 35,000 87,000, बिल्डिंग आपको ऐड करनी पड़ेगी 1 लाख प्लस 1,25,000 2,25,000, मशीनरी आपके ऐड होगी 125 प्लस 110 2,35,000, फर्नीचर होगा बेटा जी 15 प्लस 12 इज 27,000, 24 प्लस 36 इज 60,000, डेटर 65,000 प्लस 78,000 143,000 माइनस आरडीडी 5,000 प्लस 8,000 13,000, सो कितना 1,43,000 बोले ना तुम, माइनस 13,000 इज इक्वल टू 1,00,000, अच्छा ठीक है इधर 1,43,000 इनर कॉलम में, 1,43,000 माइनस आरडीडी इज 13,000, कैश एट बैंक 18 प्लस 15 इज 33,000 एंड कैश इन हैंड इज 4 प्लस 5 इज 9,000, सी इफ योर बैलेंस शीट टेल इज 719,000, यस दैट्स राइट सर, इस एग्जाम में इस चैप्टर पर क्वेश्चन आने की अपेक्षाएं बहुत ज्यादा है या सेल ऑफ फॉर्म पर, क्योंकि अगर आप पिछले अटेम्प्ट के इतने सारे क्वेश्चंस देखेंगे चैप्टर्स देखेंगे इस चैप्टर्स पर क्वेश्चन नहीं आया, और जब क्वेश्चन टफ पूछना होगा पेपर तो ऐसी कोई चीज़ आती है, तो इसको इग्नोर मत करना, इजी है ये, थोड़ा सा बस लेंदी है, सो आई बिलीव, और इसके काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स भी है, आई डोंट नो व्हाई दे डोंट आस्क बट प्रॉब्लम्स भी है, सो पढ़ाई कर कर जाना और भरोसा मानिए मेरा, मॉड्यूल के प्रॉब्लम्स अभी करेंगे तो हो जाएंगे, बाद में नहीं होंगे, सो गेट इट डन, amalgamation of firm should be completed by you people. ठीक है, all right. So with this, it's time to say goodbye. Bye bye and God bless you all. Take care.